لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم نفعنا بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا معلم إبراهيم علمني. يا مفاهم سليمان فاهمني. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. आज हम आगाज करेंगे पारा नंबर दो का, जिसका नाम है सयकूल। सयकूल सुफहाउ, अब बेवकूफ लोग कहेंगे। पिछले बारे में हमने बहुत से अहम नकात देखे, कैसे एक अल्लाह वाला अल्लाह का रंग चढ़ा के उसके तमाम अहकामात को पूरा करने में लग जाता है। आज का पारा, कुरान का हर हर लफ्ज बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज का पारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत अटेंटिवली सुनिएगा। इस पारे को जितनी दफा भी मैंने पढ़ा तो इसमें मुझे बहुत से अमल के मोती मिले और बहुत से शरीयत के अहकाम मिले। हम ऐसे मुसलमान होने चाहिए कि कम से कम बेसिक नॉलेज हम सबको हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने कलम और अपने दिल की तख्तियों के साथ तैयार होंगे। पिछले पारे के इख्तिताम पे हमने देखा कि सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चूज नहीं किया, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद को भी चूज किया। और इस पारे के आगाज में और बीच में हम देखेंगे कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। कैसे अल्लाह सुभान व तआला एक घराने में मौजूद हनीफ लोगों को चुन लेता है, जो अल्लाह के हुक्म को सुन के समेना व अताना कहते हैं और क्या नहीं कहते, समेना व असईना। एक दुआ जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की वो कब कबूल हुई, 4000 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। रुकू नंबर 1 की तरफ अगर हम देखें, तहवील किबला की आयत इस रुकू में आएगी, जो आयत है आयत नंबर 142। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की जनूबी दीवार की तरफ रुक करके खड़े होते थे। काबा आपके सामने होता था और आपके सामने ही उसी डायरेक्शन में बैतुल मक़दस की भी डायरेक्शन होती थी और दोनों किबले जो थे वो एक ही सिमत में आ जाते थे। और इसको कहते थे इस्तक़बाल अल क़िबलतैन का इमाता था, यानी दोनों किबले एक सिमत में आ जाते थे। लेकिन जब मदीना आए, मदीना में कौन आबाद थे, मुशरिक या यहूदी? यहूदी आबाद। यहूदी जो थे वो किसकी डायरेक्शन में, किसकी सामने सजदा रेज होते थे? बैतुल मक़दस के सामने। अब एक बहुत बड़ा फितना पैदा हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माइग्रेट कर दिया और वहां किया जहां पे यहूदियों की ज्यादातर पॉपुलेशन थी, कि अब वो देख रहे थे कि ये किसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे, क्या ये खाना काबा की तरफ रुख कर लेंगे या बैतुल मक़दस की तरफ रुख करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जब हमने पढ़ी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत हिकमत थी, उनको मानूस कराने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम तो रात के खिलाफ नहीं है, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन नई शरीयत कुरान की सूरत में आ चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 से 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी।
लेकिन जैसे पिछले पारे में हमने पढ़ा, जैसे अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि तुम जो मर्जी कर लो ये लोग तुमसे राजी नहीं होंगे, वैसा ही हुआ कि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए। जब तब्दीली आती है तो सबसे पहले क्या चीज फेस करनी पड़ती है? क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। जब किबला तब्दील होने का हुक्म आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सा क्रिटिसिज्म फेस किया, उन्हें बहुत सा रिएक्शन मिला, और वो इस आयत में बताया गया है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सयकूलु सुफहाउ मिनन्नासी मा वल्लहुम। अब बेवकूफ लोग कहेंगे इन मुसलमानों को इनके उस किबले से किसने फेर दिया जिस पर ये पहले थे। और अल्लाह ताला कैसे मुखातिब कर रहा है, कौन लोग सवाल करते हैं? और बेवकूफ लोग कहेंगे इन मुसलमानों को इनके उस किबले से किसने फेर दिया जिस पर ये पहले थे। तुम फरमाओ मशरिक और मगरिब सब अल्लाह का ही है, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब। ये आयत पहले गुजर चुकी है जहां पे मैंने कहा था कि अब किबले की तब्दीली की तमहीद बांधी जा रही है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हम खाना काबा को थोड़ी सजदा करते हैं, हम बैतुल मकदस को थोड़ी करते हैं, मशरिक हो या मगरिब हो सब अल्लाह का ही है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है, और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया। टाइटल, उम्मत का टाइटल किससे ले लिया गया? बनी इसराइल से, जो अपने आप को प्राउडली कहते थे कि हम तो बनी इसराइल है, आखिरी नबी हम में आएगा, उनसे टाइटल छीन लिया गया। बार बार बताने के बाद कि तुम्हें इतनी नेमतें मिली थी, तुमने उसका उसका इनकार किया, कुफर किया, तो उनसे टाइटल ले लिया गया और मुसलमानों को उम्मते वस्त का टाइटल मिल गया। और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और ये रसूल तुम्हारे निगहबान और गवाह हो। हमने उम्मते वस्त बना दिया गया, लेकिन क्या आज हम हकीकी तौर पे उम्मते वस्त हैं? आज तो हम फिरकों में बट गए। हमने कुरान को समझने की कोशिश नहीं की, सुन्नत को समझने की कोशिश नहीं की, फिकह वारियत में हम लोग इतने फंस गए कि असल जो दीन का एसेंस था उसको तो हम कैच ही नहीं कर पाए। किसी ने हाथ ऐसे कर लिए, किसी ने पांव ऐसे कर लिए, किसी की ड्रेसिंग ऐसी होगी, किसी ने बात में ये कर लिया। हमने बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पढ़े हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो काफी काफिर है, ये तो इस्लाम से खारिज है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ा जाए तो डिफरेंट मौकों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफरेंट तर्ज अमल था। जिसने एक तर्ज अमल देखा उसने उसको अपना लिया, दूसरे ने दूसरा देखा उसको अपना लिया, लेकिन उस वक्त भी किसी ने किसी को काफिर या बातिनुल इस्लाम नहीं कहा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आजमाइश आई थी नसारा के लिए। महाजरीन कौन थे जो मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे? उनकी आजमाइशें तो हो रही थी, उन्होंने तो जुल्म और सितम भी सारा बर्दाश्त किया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत भी की। अंसार वो थे जिन्होंने यहाँ पे मदीना में इस्लाम एक्सेप्ट किया। अब सोचे, नमाज पढ़ रहे हैं, किबला तब्दील हो रहा है, उनकी आजमाइश आ गई। अब इसमें से जो लोग थे कम ईमान वाले, उन्होंने सवालात उठाने शुरू कर दिए, उनके दिल में शक पैदा हो गया, फसफसा आ गया, लेकिन जिनका ईमान पक्का था वो उस पे डटे रहे। और ए हबीब, तुम पहले जिस किबले पर थे हमने वो इसीलिए मुकर्रर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है, और बेशक वो लोग जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी थी इनके अलावा लोगों पर ये बहुत भारी थी, और अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हारा ईमान जाया कर दे, बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत मेहरबान रहम वाला है। फिर ये सवाल हुआ कि अगर खाना काबा जो है, बैतुल्ला जो है, अगर उधर हमने मुंह करके नमाज पढ़नी है तो 16-17 महीने से जो हम बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े हैं तो क्या ये जाया हो जाएंगी? तो अल्लाह सुबहान तआला तो किसी का जरा बराबर हिसाब नहीं रखता। अल्लाह क्या कह रहे हैं, और अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हारा ईमान जाया कर दे, बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। इससे एक बात आप लोग भी जान लें, जो लोग जहालियत से बहके हुए भटके हुए रास्तों से दीन की तरफ आते हैं उनके दिल बहुत भारी होते हैं,
और उनको शैतान बार बार वसवसा डालता है कि तुमने तो इतने गुनाह किए हैं, तुमने तो अपनी जिंदगी इतने अंधेरों में गुजारी है, अब अगर तुम आ भी गई तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला से जब एक दफा तौबा कर ली जाए तो अल्लाह ताला क्या है, रहम करने वाला, माफ करने वाला। हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जिन कंडीशंस में निकले थे, कितने दुखी थे, इंतहाई गमगीन थे, और रोते रोते और दिल बहुत ही बुरे हालात में निकले थे। तो बार बार जब बैतुल मकदस की तरफ नमाज करते थे मुख करके, तो उन्हें अल्लाह का घर याद आता था, उन्हें खाना काबा याद आता था। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। उनके दिल में खाना काबा की बहुत तड़प थी, लेकिन क्या उन्होंने अल्लाह से शिकवा किया? और दूसरी बात, क्या उन्होंने अपनी मर्जी की कि वहां पे भी आके कहते नहीं मैं तो खाना काबा को ही मानता हूं और उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ूंगा? नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के नबी और रसूल थे, वो ही करते थे जो अल्लाह का हुक्म होता था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की भी एक दलील है। तो जरूर हम तुम्हें इस किबला की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है। बहुत बड़ा एक अमल का मोती है इसमें। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया जा रहा कि तुमने सबर किया, तुमने बैतुल मकदस की तरफ मुंह किया और नमाज पढ़ी, हमें भी बताया जा रहा है। एक वो चीज जो हम चाहते हैं लेकिन हम अल्लाह के लिए उसको छोड़ देते हैं, अल्लाह की रजा के लिए छोड़ देते हैं, अल्लाह आजमाइश के बाद हमें उससे बेहतरीन अता करता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इस कबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है। अल्लाह वो आपको दे देता है जिसमें आपकी खुशी होती है। और ईमान पे आने के बाद, अल्लाह के दीन पे आने के बाद सबसे बड़ी जो चीज मिलती है वो है इत्मीनाने कल्ब, जो आपको किसी और चीज में नहीं मिलेगा। फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। तो अभी अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, और ए मुसलमानों तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ कर लो, और बेशक वो लोग जिन्हें किताब अता की गई है वो जरूर जानते हैं कि ये तब्दीली इनके रब की तरफ से हक है और अल्लाह इनके आमाल से बेखबर नहीं है। किबले की तब्दीली करने का मकसद ये क्या था कि बाहमी इख्तलाफात को खत्म कर दिया जाए और तमाम मुसलमान एक जमात बन जाए। एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि तमाम मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं या उसके आगे सजदा क्यों करते हैं? पहली बात, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, और जो मुसलमान है वो अल्लाह का जब हुक्म आ जाता है तो क्या कहता है, समेना वो आता है ना, मैंने सुना और मैंने मान लिया, हमें आगे क्वेश्चनिंग का तो हक ही नहीं है क्योंकि वो हमारा आका है, हम उसके गुलाम। ठीक है, दूसरी क्या है कि मुसलमान जो हैं एक हो जाएं, एक हो मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए। और अगर तुम इनकी इन किताबियों के पास हर निशानी ले आओ तो भी वो तुम्हारे किबले की पैरवी ना करेंगे। यहाँ पे किससे मुराद ली जा रही है, यहूद के उल्मा से। वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और तौरात में ये भी बताया गया था कि जो आखिरी नबी आएंगे उनका किबला बैतुल्ला होगा। जानते बूझते तासुब की बिना पे वो नहीं मान रहे थे। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अगर तुम इन किताबियों के पास हर निशानी ले आओ तो भी वो तुम्हारी किबले की पैरवी ना करेंगे। और अगर आज देखा जाए, और ना तुम इनके किबले की पैरवी करो और वो आपस में भी एक दूसरे के किबले के ताबे नहीं हैं, और ये सुनने वाले, अगर तेरे पास इल्म आ जाने के बाद तू इनकी ख्वाहिशों पर चला तो इस वक्त तो जरूर ज्यादती करने वाला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपने इनकी पैरवी नहीं करनी, और ये आखिरी सूरतों में से कौन सी सूरत है जिसका सेम मौजू है? सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबिदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला आना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। वो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, उनके लिए उनका दीन है। अगर आज हम देखें इसको अपने पे लें, हमारे पास इल्म आ गया, किताब आ गई, हिकमत आ गई, फिर भी अगर हमने अपनी ख्वाहिशों की इत्तेबा की तो हमने क्या की, ज्यादती। और ज्यादती किस में कन्वर्ट हो जाती है, जुल्म में। क्या अल्लाह इंसान पे जुल्म करता है? हम अपने आप पे खुद जुल्म करते हैं। और अगर इसको डिटेल में सुनना चाहें तो रोड टू एक्सीलेंस में हमने जो इत्तेबाई शहवात के टॉपिक पे पूरा हमने डिस्कस किया था उसे आप फायदा उठा सकते हैं।
वो लोग जिन्हें हमने किताब अदा फरमाई है इस नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक इनमें एक गिरोह जानबूझकर हक छुपाता है। यारिफूनहू कमा यारिफूना, ये मुहावरा है, जैसे वो इतना एग्जैक्टली बेटों को कोई भूल सकता है, अंधेरे में बीमार हुए हुए किसी कंडीशन में भी आप भूल सकते हैं अपने बच्चों को, नहीं वो कह रहे हैं वो जानते हैं, इतना करीबी जानते हैं, या मुहावरा यूज किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं, लेकिन वो जान बूझ के हक छुपाते हैं। अल हक में रब्बिका, ए सुनने वाले हक वही है जो तेरे रब की तरफ से हो, बस तू हरगिज शक करने वालों में से ना हो। दीन में शक नहीं करना, कहीं भी अगर आपको शक आ गया ना तो आप दीन से दूर हो जाएंगे और शैतान आपको उस वसवसों में उलझा देगा। फिर क्या करना है, और हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह करता है, तुम नेकियों में आगे बढ़ जाओ। इन चीजों पे मत लड़ो बल्कि क्या करो, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। किस चीज में, फैशन में, किसके ज्यादा लाइक्स हैं, कितने ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं, किसकी पीआर ज्यादा है, किसके पास ज्यादा पैसा है, इसमें आगे बढ़ो। अल्लाह ताला ने तो हमें ये नहीं कहा, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो। इसको दीन की बात पता चली, अच्छा मैं भी सीखूंगी, ये इसकी नमाज बेहतर हुई है मैं भी करूंगी, इसकी तजवीद बेहतर हुई है मैं भी करूंगी, तो हमने किस में आगे बढ़ना है, नेकियों में। और सबसे बड़ी नेकी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की जिंदगियां आसान कर, क्योंकि जो अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी करता है अल्लाह उसके लिए आसानी करता है। तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर लाएगा, बेशक अल्लाह हर शय पे कुदरत रखने वाला है। बेशक छोटी छोटी फिक्की बहसों में पढ़ना इंसान को नेकी करने से भी रोक देता है, तो इन चीजों से हमने अपने आप को बहुत स्ट्रिक्टली बचाना है। अब जो एक आयत आ रही है इसकी बार बार रिपीटेशन है, और किसी चीज को जब बार बार रिपीट किया जाए तो क्या पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका, और ए हबीब तुम जहां से आओ अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और बेशक ये यकीनन तुम्हारे रब की तरफ से हक है और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। और ए हबीब तुम जहां से आओ अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और ए मुसलमानों तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ करो, ताकि लोगों को तुम पर कोई हुज्जत ना रहे, मगर जो उनमें से ना इंसाफी करें तो उनके उनसे ना डरो और मुझसे डरो। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है, ए महबूब अपना चेहरा बैतुल्ला की तरफ करो, फिर क्या कहा जा रहा है, ए मुसलमानों, तमाम मुसलमानों को खिताब किया जा रहा है, अपना चेहरा बैतुल्ला की तरफ करो, और जो नहीं करेगा, जो डर जाएगा लोगों से, ये डर जाएगा कि लोग क्या कहेंगे कि इनका किबला बार बार जो है वो बदलता रहता है, तो अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं फला तक शौहुम वक शौनी, तो इनसे ना डरो मुझसे डरो। आज हम सोशल प्रेशर में इतने गलत काम कर जाते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें किससे डरना है, सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला से, और ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दूं और ताकि तुम हिदायत पाओ। कौन सी नेमत की बात हो रही है, कुरान मजीद, ताकि अल्लाह कुरान मजीद की नेमत हम पे मुकम्मल कर दे और हम हिदायत पाए। या अल्लाह हमारी दुआ है कि तू ये कुरान पाक हमारे दिल पे उतार दे और इसका एक एक जुज हमारे दिल में घर कर जाए और हम सब हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल हो जाए, आमीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ जब खाना काबा बना रहे थे, उन्होंने दुआ की, उन्होंने क्या दुआ की थी कि इस शहर को फलों वाला कर देना, फिर आगे दुआ की थी इसमें एक ऐसा रसूल भेजना जो क्या हो, जो इल्म वाला हो, जिसके पास किताब हो, जो लोगों का तज़किया करे और लोगों को इल्म सिखाए। अब इस आयत को पढ़ें तो आपको समझ आएगी, जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम्हें से एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जो तुम्हें मालूम नहीं था। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, कभी भी ये ना कहें कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। एक दुआ जो 3000 साल पहले मांगी गई थी अल्लाह ने इतनी खूबसूरती से कबूल की कि यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि हमने नबी भेजा की सूरत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमने उसे किताब दी। कौन सी किताब, कुरान मजीद, जो क्या सिखाता है, अल्लाह के अहकाम और शरीयत सिखा रहा है।
तो हमने अल्लाह से खूब खूब दुआएं मांगनी हैं। और अगली आयत जो है ये तो मेरे दिल के इंतहाई करीब है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, और तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। ये आयत जो है ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा मौईदा है। अगर मैं पूछू ना जिक्र क्या, एकदम जहन में तस्बीह आ जाती है कि तस्बीह करना, वो भी जिक्र की एक फॉर्म जरूर है, लेकिन बेहतरीन जिक्र क्या है, कुरान पाक पढ़ना, सुन्नतों पे अमल करना। तो जब हम कुरान पढ़ रहे हैं हम किसका कलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह का, हम उससे बातें कर रहे हैं। कहते हैं जब तुमने अल्लाह से चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो, और ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से बात करो तो नमाज पढ़ो। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह ताला हम आपको याद कर रहे हैं, आप प्लीज प्लीज हमें याद रखिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब किससे खिताब हो रहा है, ईमान वालों से। हमें दोबारा एक चाबी बताई जा रही है, हमें एक गिफ्ट दिया जा रहा है। हम कहते हैं बड़े परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करें, कोई बात बता दे, कोई वजीफा बता दे, कोई ऐसी चीज बता दे, हम बड़े परेशान हैं। अल्लाह ताला ने तो कुरान में बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद मांगो। ईमान वाला किससे मदद मांगता है, लोगों से, जाके दरवाजा खटखटाता है मेरी मदद कर दो मेरी मदद कर दो। वो नमाज पढ़ता है और सब्र करता है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब साबिरों के साथ है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं इन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें इनका शऊर नहीं। शहदा की बात हो रही है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। हम सब में से कितने लोग चाहते हैं जो शहीद हो, सारे चाहते हैं ना। शहादत क्या है, शहादत का लफ्ज का मतलब क्या है, गवाही देना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये शहादत है। अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस शहादत के मुताबिक नहीं गुजारी तो मुझे शहादत की मौत आएगी। लेकिन अगर एक मुसलमान ने दिन रात शहादत दी कि या अल्लाह मैं तेरी बंदी मैं तेरे गुलाम, और इस शहादत पे वो कायम रही और पूरी जिंदगी उसने अल्लाह के ताबे गुजारी, तो यकीन रखिए कि अगर बिस्तरे ते मर्ग पे भी उसको मौत आई ना तो वो शहीद हो, क्योंकि शहीद वो होता है जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह की इत्तबा की हो। आयत नंबर 155 लिखिए। एक सवाल जो जहन में उतरता है कि अगर अल्लाह सुभानो ताला मुसलमानों से इतना प्यार करते हैं तो क्यों उन पे मुसीबतें आती हैं। अगर अल्लाह मुझसे इतना प्यार करता है, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए मैंने तो फलाना काम भी छोड़ दिया, फलाने गुनाह से हिजरत भी कर ली, मैं तो उसकी इत्तबा भी कर रही हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ रही हूँ, मैं तो रोजे भी रखती हूँ, लेकिन क्यों क्यों मेरी जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं। इसका जवाब अल्लाह सुभान व तआला दे रहे हैं, वला नब्लु वन्नकुम बिशैइम मिनल खौफी वल जूई वन्नक्स मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, और हम जरूर तुम्हें कुछ डर से और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे। अगर कोई भी बंदा किसी दूसरे को कहे कि आपसे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे बहुत प्यारे हैं, तो हम कहेंगे सबूत दे इस बात का कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छे टाइम पे तो सब लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन आपको असल मोहब्बत कौन करता है, जो बुरे वक्त में बुरे हालात में आपके साथ खड़ा रहता है। तो जब हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं अल्लाह ताला वी लव यू, और फिर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी बेड ऑफ रोजेस बन जाए, इतनी पुरसुकून तरीके से गुजर जाए, सब कुछ परफेक्ट हो, बच्चे भी परफेक्ट बिल्कुल फिट, हस्बैंड भी परफेक्ट पिक्चर हो, और हम खुद भी एक परफेक्ट जिंदगी गुजार रहे हो, ऐसा होगा नहीं। ये जो अप्स एंड डाउन इन लाइफ आते हैं ये अल्लाह की क्या है, आजमाइशें। और अल्लाह कह रहे हैं जब तुम इकरार कर लोगे कि अल्लाह ताला आई लव यू, तो मैं कैसे आजमाऊंगा, भूख से, माल से, जानों से, फलों की कमी से अल्लाह ताला हमें आजमाएगा। तो हमने इस आजमाइश में क्या करना है, सब्र करना है, अल्लाह की मदद चाहनी है और बेहतरीन अजर व सवाब की दुआ करनी है। आज हमारे फिलिस्तीनी बहन भाइयों और उम्मत को कैसे कैसे आजमाया जा रहा है, और जितनी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे, पहले तो आती बहुत कम है लेकिन अगर आ जाए, उनका बच्चा बच्चा क्या कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कंप्लेन नहीं कर रहे,
तो अल्लाह ताला उनको आजमा रहा है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको बेहतरीन अजर देगा और उनको बेहतरीन जल्द इस मुसीबत से निजात मिलेगी। और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, जो सब्र करता है। आजकल बड़े बच्चों को बुरा लगता है, हर वक्त कहती है सब्र करो, हर वक्त कहती है सब्र करो, जो बात हो सब्र करो, बस पूरी जिंदगी सब्र पे ही गुजार दे। बुरा लगता है ना बच्चों, सब्र करना लगता है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो वो लोग कि जब इन पे कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। आज हमने किसी के मरने पे इस कलमे को मखसूस कर दिया, लेकिन एक ईमान वाले की जब किसी किस्म की आजमाइश आती है तो वो क्या कहता है, मैं तो अल्लाह की तरफ से आया था, मैंने उसी की तरफ लौट जाना है। ये तो सफर है, ये तो जिंदगी एक छोटा सा सफर है, मेरी असल जिंदगी तो तब शुरू होगी। तो क्या होता है, एकदम सकीनत आ जाती है दिल पे कि कोई भी प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहेगी। और इस पे जब यकीन हो जाता है ना, तो छोटी छोटी मुश्किलात जो आती हैं जिसपे हम घबरा जाते हैं, फिर उस पे आप घबराते नहीं है, आप बड़े पुरसकून होके उसको फेस कर लेते हैं। क्या कहते हैं, ईमान वाले जो मुसीबत बर्दाश्त करते हैं, हम अल्लाह ही के हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से दरूद है और रहमत, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह सुबहानो ताला ऐसे लोगों पे अपनी रहमत भेज रहा है, और क्या हो रहा है, इनको क्या मिल रही है, हिदायत। और सबसे बड़ी दौलत पता है किस कौन सी है, हिदायत। इर्द गिर्द मुंह करके देख ले, बड़े बड़े अमीर लोग भी इतने परेशान हैं कि उन्हें अपनी फैसिलिटीज का ही मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास हिदायत नहीं है। और गरीब से गरीब बंदा जिसके पास हिदायत है, वो सूखी रोटी खाके भी इतना मुतमईन है। ये इनाम हमें देता है अल्लाह सुबहानो ताला। अब बात की जा रही है हजरत हाजरा अलैहि सलाम की। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को जब अल्लाह सुबहानो ताला ने कहा, एक तो उनकी उम्र काफी ज्यादा थी जब हजरत हाजरा से उन्हें हजरत इस्माइल हुए, ठीक। और बुढ़ापे में क्या होता है कि मैं बुढ़ापे का सहारा है मेरी औलाद, और जो इतनी दुआओं के बाद इतने अरसे बाद हुआ हो तो कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह का हुक्म आया कि जाओ इसको मक्का के फलाने मकाम पे छोड़ आओ, जहां पे कुछ भी नहीं था, ना पानी था, ना खाना था, ना लोग थे। और वहां पे गए, उन्हें छोड़ आया, और बीबी हाजरा एक औरत जिनका अल्लाह पे इतना तकवा था, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम उन्हें छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने पूछा आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, कोई जवाब ना आया। फिर पूछा तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहिम सर हिलाया, जी। उन्होंने कहा जाइए, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। और अल्लाह ताला ने कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया कि वहां पे उनकी वजह से सफा और मरवा के दरमियान सही के बगैर हज ही कंप्लीट नहीं होता। उस औरत के फुटस्टेप्स पे पूरी दुनिया भाग रही है, क्या मर्द और क्या औरत। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उमरा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए, और जो कोई अपनी तरफ से भलाई करे, और बेशक अल्लाह नेकी का बदला देने वाला खबरदार है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो हमारी उतारी हुई रोशन बातों और हिदायत को छुपाते हैं, हालांकि हमने इन लोगों के लिए किताब में वाज़े फरमा दिया है, तो इन पर अल्लाह लानत फरमाता है, और लानत करने वाले वाले इन पर लानत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और उलमा के लिए सख्त वईद है। जिसके पास इल्म आ गया, उसने अगर इसको छुपाया तो कौन उस पर लानत कर रहा है, अल्लाह उस पर लानत कर रहा है। एक बात है कि मुझे किसी बात का इल्म हो गया और मेरे किसी रिश्तेदार ने कोई बात पूछ ली और वो बात उसके हक उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके उसकी कहते हैं ना उसके लिए पॉजिटिवली एक्ट नहीं करेगी, और मैं उसको छुपा दूं, तो किसकी लानत हो रही है मुझ पे, अल्लाह की लानत है। हजरत अबू हुरैरा कहा करते थे कि कुरान में अगर ये आयत ना होती तो मैं लोगों को कभी कोई इल्म की बात ना बताता, लेकिन मुझे डर लगता था कि अगर इल्म मैंने छुपा कर रख लिया तो अल्लाह की लानतों का शिकार हो जाऊं। तो जिसके पास कोई इल्म की बात हो, पहले उसकी तस्दीक करें, उसको अपनाएं, और फिर आगे लाजमी दूसरों तक पहुंचाएं, और इल्म आगे पहुंचाने में कोई शर्म महसूस ना करें। दूसरा ये ना महसूस करें कि ये बात उसको बुरी लगेगी कि जो अल्लाह की बात है वो अल्लाह ने फरमाई है, बुरी लगे तो कोई बात नहीं। मगर वो लोग जो तोबा करें और इसलाह कर लें और छुपी हुई बातों को जाहिर कर दें, तो मैं इनकी तोबा कबूल फरमाऊंगा, और मैं ही
बड़ा तोबा कबूल फरमाने वाला, बड़ा मेहरबान हूँ। जिनसे पहले ये गलती हो चुकी है, जिनसे पहले ये हो चुका है, वो क्या करें? तोबा कर ले। अल्लाह ताला बार बार इंसान पे इतना रहीम है, कह रहा है तोबा कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और काफिर ही मरे, इन पर अल्लाह और फरिश्तों और इंसानों और सब की लानत है, वो हमेशा इसमें रहेंगे। इन पर से अजाब हल्का ना किया जाएगा और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। हालत कुफर में मरने वालों की वईद। जब तक मौत का गरगरा नहीं आता, तब तक आप इस्लाम कबूल कर सकते। उस किसी शख्स ने एंड मोमेंट तक भी, जब तक उसको फरिश्ते नजर नहीं आए, उसने कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया, तो उसका छुटकारा मुमकिन है। लेकिन जिसको फरिश्ते नजर आ गए, उसके लिए ये वईदे हैं कि उससे बिल्कुल अजाब हल्का नहीं किया जाएगा। तुम्हारा माबूद एक माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बड़ी रहमत वाला मेहरबान है। बड़ा बड़ा सा लिख के लगाए अपने घरों में और बच्चों को भी समझाएं, खुद भी समझें। माबूद हमारा कौन है? सिर्फ अल्लाह। उसके अलावा हमने किसी को अपना माबूद नहीं बनाना, ना अपने नफ्सों को, ना अपनी ख्वाहिशों को, ना अपनी औलाद को, ना अपने किसी भी रिश्ते को। अब अल्लाह ताला को हमने उसकी कैसे पहचानना है? किसी ने अल्लाह को तो नहीं देखा, तो हमने अल्लाह को कैसे पहचानना है? अल्लाह की निशानियों पे गौर करके। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन की तब्दीली में, और कश्ती में जो दरिया में लोगों के फायदे लेकर चलती है, और इस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर इसके साथ मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शी और जमीन में हर किस्म के जानवर फैलाए, और हवाओं की गर्दिश और वो बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान हुक्म के पाबंद हैं, इन सब में यकीनन अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। जो अल्लाह की कायनात पे गौर व फिक्र करते हैं, उन्हें अल्लाह सुबहान तआला बेहतरीन निशानियां दिखा देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से अल्लाह की जात को जानें, तो कायनात पे गौर व फिक्र किया करें, आपको अल्लाह सुबहान तआला की कारीगरी पे बड़ा प्यार आएगा। आयत नंबर 165 से 167 पे मैदान महशर का मंजर जो है वो बताया गया है। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और माबूद बना लेते हैं और इन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं, और ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बलिल्लाह। ईमान वाले किसकी मोहब्बत में शदीद होते हैं? अल्लाह की मोहब्बत में। तो जिसकी मोहब्बत में इंसान शदीद होता है, क्या उसको कोई हुक्म मानना मुश्किल लगता है? नहीं, बहुत आसान है। अल्लाह से डर के उसके काम की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह से मोहब्बत करके उसके अहकाम की पैरवी करनी है। और अगर जालिम देखते जब वो अजाब और अगर जालिम देखते जब वो अजाब को आंखों से देखेंगे, क्योंकि तमाम कुवत अल्लाह ही की है और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। जब पेशवा अपने पैरवी करने वालों से बेजार होंगे और अजाब देखेंगे और इनके सब रिश्ते नाते कट जाएंगे, और पैरोकार कहेंगे अगर हमें एक मर्तबा लौट कर जाना मिल जाए तो हम इन पेशवाओं से ऐसे ही बेजार होएं जैसे ये हमसे बेजार होते हैं। अल्लाह इसी तरह इनके अमाल इन पर हसरत बना कर दिखाएगा और वो दोजख से निकलने वाले नहीं। या अय्युहन्नास, अब हलाल और हराम का फर्क बताया जा रहा है, लेकिन देखिए खिताब किससे है। या अय्युहन्नासु, तमाम लोगों से क्या खिताब किया है? ए लोगों, जो कुछ जमीन में हलाल और पाकीजा है इसमें से खाओ। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सिर्फ मुसलमानों को हलाल और हराम का बताया गया, नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा है? तमाम लोग। या अय्युहन्नास, ए लोगों, जमीन में जो कुछ हलाल है, जो पाकीजा है, इसमें से खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के रास्तों पर ना चलो। शैतान के रास्ते इतने बढ़ गए हैं और इतनी जगह से शैतान आजकल हमें अटैक कर रहा है कि हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। इतने ब्रांड्स आ गए हैं जिसमें हलाल हराम का फर्क नहीं लिखा गया, जिसमें चीजें ऐसी ऐड कर गई हैं कि वो हराम है। तो ऐसी तमाम चीजों से हमने क्या रहना है? दूर। बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या कभी किसी ने अपने दुश्मन से दोस्ती की है जिसको पता हो कि ये मुझे आग में लेके जाएगा? अगर कोई बंदा आपको पता हो कि आपका पक्का दुश्मन है, ये आग में लेके जाएगा, आप उसे दोस्ती करेंगे? लेकिन इंसान कैसा बेवकूफ, कैसा नाकिसुल अकल है कि उसे पता है कि शैतान उसे गलत काम कराएगा, फिर भी उसके रास्ते पे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। और शैतान क्या करता है? वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देगा।
शैतान क्या करता है, सबसे पहले बुराई की तरफ उकसाता है और फिर बेहयाई का हुक्म देता है, और ये हुक्म देगा कि तुम अल्लाह के बारे में वो कुछ कहो जो खुद तुम्हें मालूम नहीं है। शैतान हमें बुराई की तरफ लेके जाता है और बेहया बनाता है। हमने इतना इम्बेड कर दिया अपनी बच्चियों के दिमाग में कि वो हया और बेहया का फर्क भूल गए। वो एक मुसलमान औरत का गेटअप क्या होता है और एक गैर मुस्लिम का गेटअप क्या होता है, उसका फर्क भूल गए। तो आज ये अवेयरनेस खुद आप अपने अंदर भी लाएं कि मॉडेस्ट होना मॉडर्न होना है, लेकिन बेहया होना मॉडर्न होना नहीं है। और जब इनसे कहा जाए कि इसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं बल्कि हम तो इसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या अगरचे इनके बाप दादा ना कुछ अकल रखते हो ना वो हिदायत याफ्ता हो। हम नहीं सुनते। अगर किसी को कोई सही बात अगर आपको पता चल जाए और फिर आप आगे पहुंचा दें तो हम क्या सुनते हैं, भाई हमारे बाप दादा तो ऐसे ही करते थे, हमारी अम्मी ऐसे करती थी, अब हम उनकी रस्मों को तोड़ दें, आप अजीब हैं, आप तो फलाने फिरके से ताल्लुक रखती हैं, आप कहती हैं जुमेरातें नहीं करनी, चालीसवें नहीं करनी, कब से होता आ रहा है हमारे गांव में, अब हम ना करें। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि तुम्हारे बाप दादा जो थे वो मासूम थे, उनको अकल नहीं थी, उनको इल्म नहीं था, तो अभी भी क्या तुम्हारे पास जब इल्म आ गया तुम उन्हीं के पांव पे चलते रहोगे। और काफिरों की मिसाल उस शख्स की है जो किसी ऐसे शख्स को पुकारे जो खाली चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। ये कुफार बहरे गूंगे अंधे हैं तो ये नहीं समझते। और आज उम्मते मुस्लिमा का भी यही हाल हो चुका है। किसी को अच्छी बात आप कह नहीं सकते। अगर इतनी हिम्मत आ गई और आपने कह दी तो आगे सामने वाला बंदा क्या हो जाएगा, बहरा गूंगा और अंधा, जैसे उसने हक सुना ही नहीं। आप कलाम किया जा रहा है आप लोगों से, ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाती, ए ईमान वालों हमारी दी हुई सुथरी चीजें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम इसी की इबादत करते हो। ईमान वाले क्या खाएंगे, अल्लाह की दी हुई सुथरी चीजें, तय्यब चीजें, और खा के क्या करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अब शरीयत में, शरीयत इस्लाम में चार मेन चीजें हैं जो हराम करार दी गई हैं। अगली आयत में इनका जिक्र है, इसने तुम पर सिर्फ मुर्दार यानी मरा हुआ जानवर और खून और सुअर का गोश्त और वो जानवर हराम किए हैं जिसके जिबा के वक्त गैरुल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो। इस्लाम में चार चीजें हराम हैं जिनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एक क्या, मुर्दार मरा हुआ जानवर, दूसरा बहता हुआ खून, तीसरा सुअर का गोश्त, और चौथा वो जानवर जो गैर अल्लाह के नाम पे ज़बा किया हो, वो जानवर जो किसी आस्ताने पे जाके उनके नाम पे ज़बा किया हो, उसका गोश्त हम नहीं खा सकते, ये सरासर हराम है। तो जो मजबूर हो जाए, हालांकि वो ना ख्वाहिश रखने वाला हो और ना जरूरत से आगे बढ़ने वाला हो, तो इस पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस हो जाए कि जिंदगी मौत का मामला हो जाए, जबरदस्ती की जाए, किसी के मुंह में जबरदस्ती डाली जाए, तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ कर लेता है। बेशक वो लोग जो अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं और इसके बदले जलील कीमत लेते हैं, वो अपने पेट में आग ही भरते हैं। और अल्लाह कयामत के दिन इनसे ना कलाम फरमाएगा और ना इन्हें पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हु। दीन फरोशी की इबरतनाक सजा बताएगी। इनको जो बेचेगा थोड़ी सी कीमत के लिए, अपने फायदे के लिए आयतों को तब्दील कर लेगा, कितनी बड़ी सजा है कि अल्लाह ताला उसे कलाम ही नहीं करेंगे। अगर कोई किसी को गुस्सा हो ना आप पे, कोई आपको मार ले तो उसका गुस्सा उतर जाएगा। किसी को गुस्सा हो ना वो रिएक्शन दे दे या किसी तरह भी आपको करे गुस्सा, लेकिन सबसे बड़ी इबरत क्या होती है कि वो बात ही ना करे। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेंगे, उनके पेट आग से भर देंगे और दर्दनाक अजाब देंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और बख्शिश के बदले अजाब खरीद लिया, तो ये कितना आग को बर्दाश्त करने वाले हैं, खुद अपने पेटों में आग भर रहे हैं। तो फिर देखेंगे कि कितना आग को बर्दाश्त करते हैं। ये सजा इनके लिए है कि अल्लाह ने हक के साथ किताब नाजिल फरमाई और बेशक किताब ने इख्तलाफ करने वाले दूर की मुखालिफत और जिद में हैं। अब जो आयत है, आयत नंबर 177, ये आयत बिर के नाम से मशहूर है। बिर कहते हैं नेकी को,
क्या है, जामे नेकी क्या है, वो आप सीखेंगे। असल नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि असल नेक वो है जो अल्लाह और कयामत और फरिश्तों और किताब और पैगंबरों पर ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में अजीज माल, रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों और साइलों को और गुलाम लोंडियों की गर्दनें आजाद कराने में खर्च करे। फिर क्या कहा है, इतनी चीजों के बाद क्या है, और नमाज कायम रखें और जकात दें और वो लोग जो अहद करके अपना अहद पूरा करने वाले हैं। क्या करने वाले, अहद पूरा करने वाले। अहद तोड़ना, वादा खिलाफी आज बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन जो नेक लोग हैं, जो नेकी करना चाहते हैं, वो कौन है, और वो लोग जो अहद करके अपना अहद पूरा करने वाले हैं और मुसीबत और सख्ती में और जहाद के वक्त सब्र करने वाले हैं, और यही लोग सच्चे हैं और यही परहेजगार हैं। आज का आपका टास्क है कि आपने ये सारी क्वालिटीज लिखनी है और फिर खुद अपना तज़किया करना है कि कौन सी चीज है जिसमें मैं लैक करती हूँ और उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। फिर खिताब हो रहा है आप सबसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम पर मक्तूलों के खून का बदला लेना फर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे कसास की फर्जियत हो रही है। कसास क्या था कि अगर कोई कत्ल कर दिया जाएगा तो जो जिनका कत्ल किया गया है उनकी फैमिली की मर्जी है कि वो अगले की कत्ल की कहें कि इसको भी कत्ल किया जाए या उसके बदले पैसे मांग ले या उनको माफ कर दें। ए ईमान वालों, तुम पर मकतूलों के खून का बदला लेना फर्ज कर दिया गया है, आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत, तो जिसके लिए इसके भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी जाए तो अच्छे तरीके से मुतालबा हो और वारिस को अच्छे तरीके से अदायगी हो, ये तुम्हारे रब की तरफ से आसानी और रहमत है, तो इसके बाद जो ज्यादती करे इसके लिए दर्दनाक आजाब है। यहूद क्या करते थे, अगर किसी अच्छी फैमिली की, बड़ी फैमिली की औरत से कोई गलती होगी, कत्ल हो गया है, तो वो किसी गुलाम को दे देते थे, इसको मार दो। अगर कोई बड़ी फैमिली किसी चीज में इन्वॉल्व है, वो छुड़वा देते थे। यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कसास तो होगा, जान के बदले जान होगी, लेकिन उसी स्टेटस में होगा। अगर अच्छी फैमिली की औरत है तो उसी फैमिली की औरत होगी, वही होगी, आप इसको अल्टर नहीं कर सकते। ए और ए कलमंदो, खून का बदला लेने में तुम्हारी जिंदगी है ताकि तुम बचो। वलकुम फिल क़िसासी हियातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। कसास में जिंदगी है, तो बड़े हैरान हुए कसास में कैसे जिंदगी है, ये तो मार रहे हैं। अगर आपने सीरत आपको थोड़ी सी याद हो तो ओस और खिजरज दो कबीले जब थे वो सदियों से लड़े थे, अगर किसी का एक बंदा मरता था वो पूरी पूरी नस्लें मिटा देते थे। जब कसास का हुक्म आया कि जान के बदले जान देनी पड़ेगी तो लोग अलर्ट हो गए कि अब तो हमें जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इससे क्या हुआ कि लड़ाइयां कम होगी, कत्ल कम हो गए। क्या आ रहा है, वसीयत के मसाइल। हम में से अक्सर लोगों को वसीयत के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन इस्लाम ऐसा दीन है जिसने जीने के और मरने के तमाम असूल बता दिए हैं कि अगर मरने वाले भी हो तो कैसे हमने वसीयत करनी है। तो जो अगली आयत है इसमें वसीयत के मसाइल बताए गए हैं। तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आए तो अगर वो कुछ माल छोड़े तो अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके से वसीयत कर जाए, ये परहेजगारों पर वाजिब है। परहेजगारों पे क्या है, वाजिब है, और बहुत बुरा मना जाते हैं कुछ बुजुर्ग अगर उनसे वसीयत की बात की जाए, कहते हैं आप चाहते हैं मर जाएं, हाँ तुम्हारी नजर तो मेरे बाल पे है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि जिंदगी में वसीयत कर दो ताकि क्या हो, आगे प्रॉब्लम्स ना हो, और ये किसके लिए वाजिब है, परहेजगारों के लिए। फिर जो वसीयत को सुनने के बाद इसे तब्दील कर दे तो इसका गुनाह इन बदलने वालों पर ही है, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। फिर जिसको वसीयत करने वाले की तरफ से जानबरदारी या गुनाह का अंदेशा हो तो वह इनके दरमियान सुलह करा दे तो इसमें कुछ गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फिर आप लोगों से खिताब किया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सयामु, ए ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं। पूरे कुरान में रोजे की फर्जियत की ये आयात है। अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं।
अरब में जो लोग थे, जो मुशरिकीने मक्का थे, वो खुद रोजा नहीं रखते थे, वो अपने घोड़ों को रोजा रखवाते, अपने घोड़ों को रोजा रखवाते थे और कहते थे कि ये सोम है, इसको हमने सोम रखवाया है, और जिस घोड़े ने रोजा रखा होता था तो कहते थे ये साइम है। यानी क्या किया उन्होंने, अपनी सारी लाइबिलिटीज दूसरों पर डाल दी, खुद प्रैक्टिसिंग वो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो यहूद जो हैं वो रोजा रखते थे। वो कौन सा रोजा रखते थे? आशूरा के दिन का रोजा, जिस दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम ने और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिल गई थी, तो वहां पे वो लोग रोजा रखते थे। अब यहाँ पे मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है, ए ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम पतले हो जाओ, ताकि तुम स्मार्ट हो जाओ, ताकि तुम इफ्तार पार्टीज में जाओ, ताकि तुम पूरा महीना बड़ी अच्छी अच्छी इफ्तारी करो। अभी रमजान आने वाला है, जरा बड़ा बड़ा लिखें कि इस रोजे में हमने क्या बनना है। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हर वो चीज जो अल्लाह को नापसंद है, हर वो काम जो अल्लाह को नापसंद है, हम उससे क्या करें? परहेज करें और परहेजगार बन जाएं। गिनती के चंद दिन हैं, तो तुम में से जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रखे, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उन पर एक मस्कीन का खाना फिदिया है, फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो इसके लिए बेहतर है, और अगर तुम जानो तो रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। बहुत दफा सवाल किया जाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रोजा रखूं या ना रखूं। पहली बात है, रोजा आपका और अल्लाह का मामला है, आपकी कंडीशन क्या है ये आप जानते हैं और अल्लाह जानते हैं। किसी को किसी के बारे में कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है कि इसको तो आदत होगी इसलिए रोजे नहीं रखता। तो ये अल्लाह का मामला है, उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप रोजे रखें। अगर आपने रोजा नहीं रखना या नहीं आपसे रखा जा रहा, तो एक मिस्कीन का खाना खिलाना जो है वो जरूरी है, उससे ज्यादा कोई लेना चाहता है तो वो भी आसन है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग बहुत सख्त बीमार होते हैं या सफर में होते हैं, ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें वो रोजा नहीं रख सकते, तो अल्लाह ने रुखसत दी है। इस्लाम ने, अल्लाह ने जब रुखसत दी किसी मामले में और हमने वो ना ली जरूरत के वक्त, तो हम भी बेवकूफ है और हम भी जालिम है। ये बात भी अल्लाह को बहुत बुरी लगती है। कुछ लोग अपने आप को ज्यादा मुत्तकी साबित करने के लिए इतनी बीमारी के बावजूद भी रोजा रख लेते हैं कि वो बेचारे खुद तो डॉक्टर के पास अस्पताल पहुंचते हैं, पूरा खानदान भी साथ जा रहा होता है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जो मैंने रुखसत दी है, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल का हाथ, तो उस रुखसत को अवेल करो। शहरु रमजान अल्लजी, रमजान का महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। शाहरु रमजान अल्लजी उन्जिला फीहिल कुरआनु हुदल लिन्नास, रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। हिदायत है, रहनुमाई है, बिल्कुल सही। किन के लिए हिदायत और रहनुमाई है? नो, मुसलमानों, तमाम मुसलमानों के लिए तो नहीं है। किन के लिए? पीछे हम बहुत परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वालों के लिए। इससे नसीहत सिर्फ उसको मिलेगी जो लेना चाहेगा, जो सोना चाहेगा उसको सिर्फ नींद मिलेगी। रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रखे। बीमार में है, सफर में है, अगर हामिला है, एक्सपेक्ट कर रही है, नहीं रख सकती तो क्या करेंगी? इसकी गिनती दूसरे दिनों में आप पूरी करेंगी। तो इतने रोजे दूसरे दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और ये आसानियां इसलिए हैं ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर लो और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हिदायत दी, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमारे लिए मुश्किलें नहीं चाहता, मुश्किल हमने खुद अपने ऊपर बनाई है। अल्लाह ने रुख्सत दे दी, तबीयत नहीं ठीक है, नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अल्लाह जानता है ना। लोगों को दिखाने के लिए रख भी लिया, अपने पे जबर भी किया, तो ये बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ए हबीब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, पूछते हैं ना हम, जब मैं भी नई नई अल्लाह की तरफ पलटी तो
तो बड़ा दिल करता था कोई अल्लाह की बात हो, कोई अल्लाह का साथ हो, कहीं पे अल्लाह से मुलाकात हो, कोई ऐसा तरीका हो कि अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, कोई ऐसा वजीफा मिल जाए कि अल्लाह ताला बहुत करीब महसूस हो। तो पता चला कि अल्लाह ताला तो मेरे बहुत करीब है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वह इजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, और ए हबीब जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नजदीक हूँ। उजीबू दावत दाई, और मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करे। जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ, तो अपनी दुआ की कबूलियत के लिए क्या हमें दूसरों की जरूरत है? नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो इन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि हिदायत पाए। हिदायत पाने के लिए दो चीजें करनी है, ईमान और अमले सौले। ईमान और अमले सौले इज इक्वल टू हिदायत। हिदायत ऐसे नहीं मिल जाएगी कि मेरा ईमान में भी मसला है और मैं अमले सौले नहीं कर रही, मैं अपनी मर्जी का अमले सौले कर रही हूँ। हिदायत चाहिए तो क्या है, ईमान प्लस अमले सौले इज इक्वल टू हिदायत। तुम्हारे लिए रोजों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम इनके लिए लिबास हो। लिबास क्या करता है, आपकी कमियां आपके ऐब छुपाता है। बीवियों से मेरा सवाल है, क्या आप भी अपने शोहरों की कमियां और ऐब छुपाते हैं? हर किसी की बात नहीं कर रही लेकिन ज्यादातर नहीं छुपाते। तुम्हें नहीं पता वो तो इतने बुरे हैं, वो तो ये 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 करते हैं। हमने क्या किया, खुद अपने आप को बेलिबास कर दिया, अपने आप को नंगा कर दिया। जो अपने शोहर का पर्दा नहीं रखती ना औरत, वो अपने घर का पर्दा नहीं रख सकती। तो हमेशा याद रखें, कभी भी अपने शोहरों की बात किसी से ना करें। कोई सुन के कर भी क्या लेगा, लोग मजे लेंगे, चटखारे लेंगे। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों को खयानत में डालते थे, तो इसने तुम्हारी तोबा कबूल की और तुम्हें माफ कर दिया। तो अब इनसे हम बिस्तरी कर लो और जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है इसे तलब करो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए फजर से सफेदी, सुबह का डोरा सयाही के डोरे से मुमताज हो जाए, फिर रात के आने तक रोजों को पूरा करो और औरतों से हम बिस्तरी ना करो जबकि तुम मस्जिदों में एतकाफ से हो। हमारा रोजा शुरू होता है फजर से लेके मगरिब तक, उसके बाद हम खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं, तमाम चीजें जो हलाल है उनको एंजॉय कर सकते हैं, मियां बीवी आपस के ताल्लुकात को भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कब नहीं एंजॉय कर सकते, रोजे के दरमियान में, और दूसरा एतकाफ में। एतकाफ में मियां बीवी एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, ये अल्लाह की हदें हैं, तो इनके पास ना जाओ। अल्लाह यूं ही लोगों के लिए अपनी आयात खोल कर बयान फरमाता है ताकि परहेजगार हो जाओ, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ और ना हाकिमों के पास इनका मुकदमा लेके पहुंचाओ कि लोगों का कुछ माल नाजायज तौर पर जानबूझकर खा लो। आपस में एक दूसरे का माल खाना एक मुसलमान को जेब नहीं देता, क्योंकि एक मुसलमान के लिए दूसरा मुसलमान की इज्जत, माल सब बहुत अहम है। तुमसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमा दो ये लोगों और हज के लिए वक्त की अलामतें हैं। हमारे लिए चांद सिर्फ क्या है, दिनों का तायुन करने का एक पैमाना, हज का तायुन करने का एक पैमाना। पहले चांद की पुरस्तिश की जाती थी और उससे बहुत सी चीजें निकाली जाती थी कि चांद कितनी तारीख है, तो आज ये होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी कि तुमसे चांद के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमा दो ये लोगों और हज के लिए वक्त की अलामतें हैं, और ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में पिछली दीवार तोड़ कर आओ। हाँ, असल नेक तो परहेजगार होता है। अरब में ये था कि अगर हज के लिए गए हैं और कोई चीज अपने घर भूल गए हैं तो वो कहते थे हम सामने सेंटर नहीं करेंगे, वो घर में पीछे सेंटर होते थे। ये एक अजीब किस्म की बिद्दत सी बना ली थी, जैसे हमने भी आजकल बहुत सी बिद्दतें बना ली। तो अल्लाह ताला क्या कह रही है, ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में पिछली दीवार तोड़कर आओ। हाँ, असल नेक तो परहेजगार होता है, और घरों में इनके दरवाजों से आओ और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पे कि तुम फलाह पाओगे, और अल्लाह की राह में इनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। जरूर किताल करो,
लेकिन हद से नहीं बढ़ना। अब आगे किताल का हुक्म आ रहा है, और दौराने जहाद काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें वहां से निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और फितना कत्ल से ज्यादा शदीद होता है। अगर कोई मुर्तिद की सजा है कत्ल, क्यों? क्योंकि वो खुद इस्लाम से खारिज हो गया, तो वो अपने साथ 10 और लोगों को भी इस्लाम से बाहर ले जाए। दुराने जंग कत्ल करना जरूरी है काफिरों को, क्योंकि अगर नहीं करेंगे फितना और फैलेगा, और फितना कत्ल से ज्यादा शदीद होता है। और मस्जिद हराम के पास इनसे ना लड़ो जब तक वो तुमसे वहां ना लड़े, और अगर वो तुमसे लड़े तो इन्हें कत्ल करो, काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 13 साल तक, मक्की दौर तक, मुसलमानों ने कोई जंग नहीं की, कोई फाइट नहीं की, लेकिन जब किताल का हुक्म आ गया, जंग का हुक्म आ गया, तो अल्लाह ताला ने कहा अब इनको नहीं छोड़ना। हुरमत वाले महीनों का बहुत एहतराम करते थे अरब भी, मुशरिकीन भी, लेकिन अगर उनसे कहा गया कि अगर अब ये हुरमतें पामाल करते हैं तो तुम भी बिल्कुल इनका लिहाज ना करो, उस वक्त भी बैतुल्ला के अंदर जंग करना या लड़ना इसको बुरा समझा जाता था, लेकिन ये हुक्म आया कि अगर उसमें बैतुल्ला के करीब भी अगर वो तुम पे अटैक करें तो तुम भी उनका काउंटर अटैक करो, और इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे और इबादत अल्लाह के लिए हो जाए, यानी कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। अगर वो बाज आ जाए तो सिर्फ जालिमों पर सख्ती की सजा बाकी रह जाती है। अशहरु हराम अदब वाले महीने के बदले अदब वाला महीना है, और अदब वाली चीजों का बदला है। तो जो तुम पर ज्यादती करे इन पर इतनी ही ज्यादती करो जितनी इसने तुम पर ज्यादती की हो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो अल्लाह डरने वालों के साथ है, और अल्लाह की राह में खर्च करो, और अपने हाथों खुद को हलाकत में ना डालो, और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर आज हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो कुरान का मतलूब इंसान कैसा है? जो नेकी करने वाला हो। और हज और उमरा अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर अगर तुम्हें मक्का से रोक दिया जाए तो हरम में कुर्बानी का जानवर भेजो जो मयसर आए, और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने पर ना पहुंच जाए। फिर जो तुम में से बीमार हो या इसके सर में कुछ तकलीफ हो तो रोजे या खैरात या कुर्बानी का फिदिया दे दे। अरब में ये रिवाज था कि वो हज और उमरा एक इकट्ठे नहीं करते थे, वो कहते थे या तो हम हज करेंगे या उमरा। लेकिन जब दीन इस्लाम आया तो अल्लाह सुबहानो ताला ने इतनी आसानी कर दी कि एक ही सफर में मुसलमान हज और उमरा कर सकते हैं। हज की कुछ इकसाम को अगर हम डिस्कस करें तो 2 किस्म के हज हैं, हज तमत्तो, हज किरान। अगर आपने पहला उमरा करके एहराम खोल दिया है और फिर हज के लिए अलैहदा उमरा बांधा है 8 जिलहज्जा को, तो इसे कहते हैं हज तमत्तो। लेकिन अगर आप गए हैं, आपने उमरा किया है लेकिन आपने एहराम नहीं खोला और उसी एहराम में आपने हज किया है, तो उसे कहते हैं हज किरान। तो हमारे लिए ये अलाउड है। फिर जब तुम इत्मीनान से हो तो जो हज से उमरा मिलाने का फायदा उठाए इस पर कुर्बानी लाजिम है जैसी मुयस्सर हो। फिर जो कुर्बानी की कुदरत ना पाए तो 3 रोजे हज के दिनों में रखे और 7 रोजे इस वक्त रखो जब तुम अपने घर लौट जाओ। ये मुकम्मल 10 हैं। ये हुक्म इसलिए है जो मक्का का रहने वाला ना हो। जो मक्का का रहने वाला है उस पे हजे किरान और हजे तमत्तो नहीं होगा। जो वहां का रहने वाला नहीं है उसको ये रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। हज का मेन पर्पस क्या है? हज से हमने लेना क्या है? आगे अगली आयत में बताया गया है वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह शदीद अजाब देने वाला है। हज से हमने क्या लेना है? तकवा, अल्लाह का तकवा। हज के चंद मालूम महीने हैं। जो इनमें हज की नियत करे तो हज में ना औरतों के सामने सोहबत का तस्करा हो। हज में क्या नहीं करना? रफासा, औरतों के सामने सोहबत का तस्करा नहीं करना। वला फसूका, और ना कोई गुनाह हो। वला जिदाला, और ना किसी से झगड़ा हो। 3 काम हज में नहीं, क्या नहीं करने? औरतों के साथ सोहबत इख्तियार नहीं करनी, मियाँ बीवी का रिश्ता कायम नहीं करना। दूसरा, कोई गुनाह का काम नहीं करना, कोई गुनाह की बात नहीं करनी। तीसरा, किसी से झगड़ा नहीं करना।
आयत नंबर 197। और तुम जो भलाई करो अल्लाह इसे जानता है। और ज़ादे रा साथ ले लो, पर सबसे बेहतर ज़ादे रा यकीनन परहेजगारी है, तकवा है, और ए अकल वालों मुझसे डरते रहो। और अगर देखा जाए सबसे ज्यादा लड़ाइयां कहां हो रही होती है, हज में, क्योंकि सब्र ही नहीं होता। और मैं अब सोचती हूँ ठीक है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा जिन्होंने किया उन्होंने एक्सपीरियंस, लेकिन अगर बंदा जहन में ये रख के जाए कि अल्लाह ने कुरान में मुझे मना कर दिया है कि हज में मैंने ये तीन काम नहीं करने, और मैं जा भी रही हूँ और मैं हज भी कर रही हूँ, तो फिर कैसा मैं हज कर रही हूँ कि मैं लड़ाइयां भी कर रही हूँ, धक्के भी दे रही हूँ और हर ऑल फॉल कर रही हूँ। तो हमने इन चीजों पर ज्यादा एक्ट करना है। और ज्यादा रहा साथ ले लो, बस सबसे बेहतर ज्यादे रहा यकीनन परहेजगारी है, और ए अकल वालों मुझसे डरते रहो। जरूर अपने साथ आप चीजें लेके जा सकते हैं, हज के दौरान भी आप कोई भी चीज तिजारत की भी लेके जा सकते हैं, वहां पे जाके आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन ज्यादे रहा क्या है, सबसे बेहतरीन चीज क्या है जो साथ लेके जाए, अल्लाह का तकवा। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, तो जब तुम अरफात से वापस लौटो तो मशरे हराम के पास अल्लाह को याद करो और इसका जिक्र करो, क्योंकि इसने तुम्हें हिदायत दी, अगरचा इससे पहले तुम यकीनन भटके हुए थे। यानी वैसा जिक्र करो जैसा अल्लाह ने तुम्हें करने का कहा है, फिर ए कुरैशियों तुम भी वहीं से पलटो जहां से दूसरे लोग पलटते हैं। कबीला कुरैश वाले दीगर लोगों के साथ अरफात में वकूफ करने के बजाय मुज़दलिफा में ठहरे रहते, और जब लोग अरफात से पलटते तो ये मुज़दलिफा से पलटते और इसमें अपनी बड़ाई समझते। इस आयत में इन्हें हुक्म दिया गया वो भी सबके साथ अरफात में वकूफ करें और एक साथ वापस लौटें। इसे मालूम हुआ कि इस्लामी काम बरादरियों के एतबार से नहीं बदलते और ना ही किसी के रुतबे और मकाम की वजह से इनमें तब्दीली होती है, बल्कि अमीर और गरीब, गोरे काले, अरबी अजमी, सबके लिए इस्लाम के अहकाम बराबर हैं। और अल्लाह से मगफरत तलब करो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब अपने हज के काम पूरे कर लो तो अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, बल्कि इससे ज्यादा करो। अरब में जब हज किया जाता था उसके बाद महफिलें लगती थी, मेले लगते थे, बाप दादा की फजीलतें बयान की जाती थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जब हज कर लो तो क्या करो, मेरा जिक्र कसरत से करो जैसा करने का हक है। और कोई आदमी यूं कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया दे दे, बहुत से लोग जाते हैं हज के लिए, लेकिन कुछ लोग जो दुनिया परस्त हैं वहां पे भी जान के उनका क्या होता है, उनकी डायरेक्शन दुनिया की तरफ होती है। या अल्लाह मुझे अच्छा घर दे दे, मुझे अच्छी गाड़ी दे दे, मुझे बहुत से पैसे दे दे, मुझे सारी दुनिया की चीजें दे दे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और कोई आदमी यूं कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में दे दे और आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं, जो दुनिया मांगेगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और कोई यूं कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और हमें आखरत में भी भलाई अता फरमा और हमें दोजख के अजाब से बचा। एक ईमान वाला, एक कुरान का मतलूब इंसान कौन है जो दुनिया और आखरत दोनों की भलाइयां मांगता है। इन लोगों के लिए इनके कमाए हुए अमाल से हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और गिनती के दिनों में अल्लाह का जिक्र करो तो जो जल्दी करके दो दिन में मिना से चला जाए तो इस पे कुछ गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाए तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये बिशारत परहेजगार के लिए है, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम इसी की तरफ उठाए जाओगे। हज का असल सबक क्या है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तो जितने लोग इस दफा हज का प्लान कर रहे हैं, हज में जाएंगे, तो ये याद रखें कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है। और लोगों में से कोई है कि दुनिया की जिंदगी में इसकी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और वो अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला है, और जब पीठ फेर कर जाता है तो कोशिश करता है कि जमीन में फसाद फैलाए और खेत और मवेशी हलाक करे, और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। और जब इससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो उसे जिद मजीद गुनाह पे उबारती है, तो ऐसे को जहन्नुम काफी है और वो जरूरत से बहुत बहुत जरूरत
और वो जरूर बहुत बुरा ठिकाना है। रिवायात में आता है कि यहाँ एक शख्स की बात की जा रही है जिसका नाम था अखनस बिन शरीक। इसका किरदार बताया जा रहा है कि वो देखने में बातें बहुत अच्छी करता था, इतनी अच्छी बातें कि लोगों को लपेट ले, लोगों को अपनी तरफ कर ले, लेकिन अमल नहीं करता था। और अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ बात हो जाए तो जिद पे अड़ जाता था और जिद में आके और बुरे बुरे काम करने लगता था। और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए, अल्लाह अकबर, बड़ी खूबसूरत आयत है, लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए अपनी जान बेच देता है। अल्लाह अकबर। एक इंसान के पास सबसे कीमती चीज क्या है? उसका अपना आप। हम लोगों को जब कहा जाता है ना कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो सबसे पहले ख्याल आता है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते, मुझे तो बहुत थोड़ी इनकम मिलती है, मेरे पास तो बहुत थोड़े पैसे होते हैं, मैं कैसे खर्च करूं, मेरे पास तो उतने ही नहीं है, तो जिनके पास है उनका काम है, या हाय मैं बहुत गरीब हूं, मैं कैसे खर्च करूं। तो अल्लाह ताला ने बता दिया, अपनी जान खर्च करो, अपना आप खर्च करो, अपना वक्त खर्च करो, अपनी तवानाई खर्च करो, और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए अपनी जान बेच देता है, और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। आज जब कुरान की तालीम, दीन की तालीम देने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहला जवाब सुनने को मिलता है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, और सो ऑन, बहुत से एक्सक्यूजेस। तो अगर हम अपनी जान अल्लाह की राह में लगाएंगे तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला उसको जाया करेगा? ये जो आप लोग इतनी देर से इधर बैठे हुए हैं, कुछ बड़ी मुश्किल से बैठे हैं, कमर भी दुख रही है, बैठने नहीं हो रहा, कुछ देर हो रहा है, तो क्या लगता है आपको अल्लाह आपको ऐसे ही छोड़ देगा? आपके एक एक सेकंड का अल्लाह आपको बेहतरीन अजर देगा इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फी सिल्मी काफा, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ईमान वाला क्या होता है? आधा अंदर आधा बाहर। अगर आपने एक पिज्जा खाया हो तो पिज्जा का सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा होता है? जो बीच का होता है, और जो साइड का होता है वो थोड़ा सख्त भी होता है, वो मजे का भी नहीं होता, उसमें फिलिंग भी नहीं होती, उसमें वो लज्जत नहीं होती। सेम ये है, जो कि इस्लाम में दाखिल भी नहीं हो रहे और बातिल भी नहीं हो रहे और एंड में खड़े हुए, उनको लग रहा है बड़े मुश्किल है, कमाते हैं, हमसे फॉलो नहीं होंगे, इतना मुश्किल है, सांस कैसे आएगी, फिर लोग क्या कहेंगे, नहीं इतनी मुश्किल में, इतनी स्ट्रिक्टनेस में मैं जिंदगी गुजार नहीं सकती। लेकिन जैसे ही इंसान इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल हो जाता है, तो वो लुत्फ पा लेता है जो पिज्जा के बीच के हिस्से में होता है। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पे ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बार बार अल्लाह ने हमें वार्न कर दिया है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, फिर भी अगर मैं उसकी पैरवी करूं, फिर भी मैं अपना सतर नंगा करूं, फिर भी मैं बाजारों में बन ठन के फिरूं, फिर भी मैं गैर महरमों से हंसी ठट्ठा करूं, तो मैं क्या कर रही हूं? खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हूं। और अगर तुम अपने पास रोशन दिलाए ला जाने के बाद भी लग्जिश खाओ, तो जान लो अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। लोग तो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि बादलों के सायों में इनके पास अल्लाह का अजाब और फरिश्ते आ जाएं और फैसला कर दिया जाए, और अल्लाह ही की तरफ सब काम का लौटाया जाना है। बनी इसराइल से पूछो कि हमने इन्हें कितनी रोशन निशानियां दी, फिर बनी इसराइल की बात आ गई, जरा पूछो हमने उन्हें कितनी फजीलतें दी, और जो अल्लाह की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे, तो बेशक अल्लाह का अजाब शदीद है। काफिरों की निगाह में दुनिया की जिंदगी को खुशनुमा बना दिया गया है और वो मुसलमानों पर हंसते हैं, और अल्लाह से डरने वाले कयामत के दिन इन काफिरों के ऊपर होंगे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क अता करता है। किसके लिए दुनिया की जिंदगी खूबसूरत बन गई है? काफिरों के लिए, उनके लिए जिनको आखिरत पे यकीन नहीं है। लेकिन जिसको आखिरत पे यकीन है, वो किसका इंतजार कर रहा है? कि वो अपने रब से मिल जाए। तो कुरान का मतलूब इंसान कौन है? जिसकी नजर आखिरत पे ना हो, आखिरत पे हो और दुनिया पे ना हो, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क अता फरमाता है। तमाम लोग एक दीन पर थे। गौर से देखिए, कानन नासु उम्मतम वाहिदा, तमाम लोग एक दीन पर थे, तो अल्लाह ने अंबिया भेजे खुशखबरी देते हुए और डर सुनाते हुए। अंबिया का
अंबिया के दो ही काम है, मुबशरीना व मुनजरीना, खुशखबरी देना और डर सुनाना, और इनके साथ सच्ची किताब उतारी ताकि वो लोगों के दरमियान इनके इख्तलाफात में फैसला कर दे, और जिन लोगों को किताब दी गई उन्होंने ही अपनी बाहमी बुग्ज़ और हसद की वजह से किताब में इख्तलाफ किया। ये इख्तलाफ इसके बाद किया कि इसके पास रोशन अहकाम आ चुके, तो अल्लाह ने ईमान वालों को अपने हुक्म से उस हक बात की हिदायत दी जिसमें लोग झगड़ा करते थे, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। जिसका जिद वाला रवैया होता है, जो अल्लाह से जिद करता है, उसे कभी हिदायत नहीं मिलती। क्या तुम्हारा गुमान है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? बड़ी प्यारी आयत, तो मुझे बड़ी पसंद है और बिल्कुल आज के मुसलमान पे फिट बैठती है। हम तो मुसलमान है, हम तो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, वो फलाने बाबा जी मुझे ऐसे ही मेरी सिफारिश करेंगे, मैं तो चली जाऊंगी सीधी। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। पुले सरात से गुजर के जब हौज़े कोसर पे हम पहुंचेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ भी आ रहे होंगे, हम उन्हें देख रहे होंगे, फरिश्ते उन्हें रोक देंगे, कहेंगे इसको आपने नहीं, वो कहेंगे नहीं ये तो मेरा उम्मती है, तो फरिश्ते कहेंगे आपको नहीं पता इसने आपके बाद दीन में क्या। मंजिल के जितने करीब हो के अब भी हमें पता है कि हम पहुंच जाएंगे और वहां से रोक दिया जाए तो कितना सख्त हमें दुख लगेगा। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अम हसिब तुम अंतत खुलुल जन्ना, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तो तुम पर पहलो जैसे कोई हालत नहीं आई, इन्हें सख्ती और शिद्दत पहुंची और इन्हें जोर से हिला डाला गया, यहां तक कि रसूल और इसके साथ ईमान वाले कह उठे अल्लाह की मदद कब आएगी, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। हम क्या समझते हैं, बगैर आजमाइश के, बगैर अपने गुनाहों से हिजरत किए हुए, बगैर अपने नफ्स की कुर्बानी दिए हुए हम जन्नत में चले जाएंगे? हरगिज नहीं। यस अलूना का आपसे सवाल करते हैं क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वो माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए है, और तुम जो भलाई करो बेशक अल्लाह इसे जानता है। जहाद फर्ज किया गया है हालांकि वो तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आ जाए हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जहाद की फर्जियत बताई गई है और मुसलमानों को नसीहत दी गई है। माहे हराम में जहाद की इजाजत की सूरतें अब आगे पूछी जा रही हैं। आपसे माहे हराम में जहाद करने के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमा दो इस महीने में लड़ना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और इस पर ईमान ना लाना और मस्जिद हराम से रोकना और इसके रहने वालों को वहां से निकाल देना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। फितना का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, वल फितनतु, फितना हर वो कैफियत है जिससे साहिब ईमान के लिए ईमान पर कायम रहना और इस्लाम पे अमल करना मुश्किल हो जाए। हर वो चीज जो आपको ईमान से दूर रखती है और आपको इस्लाम पे अमल करने से रोकती है वो क्या है, फितना। और फितना कत्ल से बड़ा जुर्म है और वो हमेशा से तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हारे दीन से फेर दें। यहाँ पे गजवाए बदर की तमहीद बांधी जा रही है, इसके बाद गजवाए बदर हुई थी इसीलिए लोगों की जहन साजी की गई है कि अब जब हुक्म आ गया है कि जंग करो तो जंग करनी है। आयत नंबर 217 में देखिए इसकी तफसील में सीरत में एक वाकया आता है। हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जाहश चंद अफराद का कमांडर बनाकर हिदायत फरमाई कि मक्का और ताइफ के दरमियान जाकर वादी नखला में कयाम करें, कुरैश के नकल और हरकत पर नजर रखें। वादी नखला में कयाम के दौरान वहां कुरैश की एक मुख्तसर काफिला गुजरा जिससे मुदबड़ हो गई और उनका एक बंदा मारा गया, और इस रोज रजब की आखिरी तारीख थी। ये हिजरत के बाद पहला खून था जो मुसलमानों के हाथों हुआ। इस पर मुशरिकीन ने बहुत वावेला पहुंचाया कि इन लोगों का क्या हाल है, ये अल्लाह वाले बनते हैं और अल्लाह की हदूद का ख्याल नहीं रखते। इस वाके की वजह से ये आयात नाजिल हुई।
और तुम में से जो कोई अपने दीन से मुर्तिद हो जाए फिर काफिर ही मर जाए, तो इन लोगों के तमाम आलमाल दुनिया और आखरत में बर्बाद हो गए और वो दोजख वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के लिए अपना घर बार छोड़ दिए और अल्लाह की राह में जहाद किया, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं, अल्लाह बख्शने वाला है। यहाँ पे लफ्ज देखिए, हाजरू वजाहदू, जो जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की और जहाद किया। हिजरत है गुनाहों से हिजरत, हिजरत है नफ्स की लज्जतों से हिजरत। तो जो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी गुनाहों से हिजरत की, अपने घर बार छोड़ दिए और अल्लाह की राह में जहाद किया, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने गुनाहों से हिजरत की है तो मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह बख्श देगा और आप रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। आपसे शराब, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आपसे शराब और जुए के मुतल्लिक सवाल करते हैं। यस अलूना का लफ्ज जो है आयात में 14 दफा आया है, 14 सवाल किए गए हैं, जिनमें से 8 जो सवाल हैं वो सूरह बकरा में ही हैं। और ये सवाल कौन कर रहे हैं? सहाबी। सहाबी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन थी, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कर रहे हैं। आपसे शराब और जुए के मुतल्लिक सवाल करते हैं, तुम फरमा दो इन दोनों में कबीरा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ दुनियावी मुनाफा भी है और इनका गुनाह इनके नफे से ज्यादा बड़ा है। आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो जायद बचे। इस तरह अल्लाह तुमसे आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। दीन को में बहुत सी चीजें तदरीजन ग्रेजुअली कम की, तो शराब और जुआ उन्हीं में से है। और अगर इन दोनों को देखा जाए, इनमें एक सिमिलैरिटी है कि शराब पीने वाला और जुआ खेलने वाला दोनों मेहनत नहीं करते, दोनों चाहते हैं हमें सब कुछ इजी में मिल जाए। तो ऐसी चीजें हमें हरगिज मना है। और फिर पूछते हैं कि आपसे कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, हमारे जहन में भी आता है ना अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तो कहते हैं कि जो आपसे सवाल करते हैं अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो जायद बचे। इस तरह अल्लाह तुमसे आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। सरप्लस वैल्यू, जरूरत से ज्यादा जितना कुछ है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो, ना कि अपनी जायदादें बना लो, जोड़ जोड़ के अलहदा रख लो, उसे अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप चीजों इंजॉय ना करो, इंजॉय करो, लेकिन जो बच जाए उसको अच्छे रेशियो प्रोपोर्शन के साथ मेरी राह में खर्च करो। दुनिया और आखिरत के कामों में गौर व फिक्र कर लिया करो। और तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं, तुम फरमाओ इनका भला करना बेहतर है और अगर इनके साथ अपना खर्चा मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह बिगाड़ने वालों को संवारने वालों से जुदा खूब जानता है और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता, बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। यतीमों की बात जब पहले आई और हुक्म हो गया कि अल्लाह ताला हिसाब लेगा तो लोग डर गए, उन्होंने अपनी हांडियां भी यतीमों से अलहदा कर ली। तो उन्हें ये तो बड़ा मुशक्कत का काम था, उन्होंने कहा अल्लाह जानता है कि तुम किस नीयत से क्या कर रहे हो, तो इतनी मुशक्कत में मत पड़ो। और मुशरिका औरतों से निकाह ना करो जब तक के मुसलमान ना हो जाएं। मुशरिक औरतों से मुशरिक मर्दों से निकाह हो सकता है? आज हम टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं और जितने हीरोज को देखते हैं और जितने हीरोज हमारे सो कॉल्ड आइडियल होते हैं या जिनको हम फैंटेसाइज करते हैं, क्या ये जायज है? ये ख्वाहिश करना भी जायज नहीं है, ये आइडियल बनाना भी जायज नहीं है, इस तरह से देखना भी हराम है, तो हम कितने गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह सुभान व तआला क्या कह रहे हैं, और मुशरिका औरतों से निकाह ना करो जब तक के वो मुसलमान ना हो जाएं। और बेशक मुसलमान लोडिया मुशरिक औरतों से अच्छी हैं, यानी एक मुसलमान लोंडी भी जो है ना वो मुशरिक औरत से बेहतर है अगरचे वो तुम्हें पसंद हो। बेशक तुम्हें मुशरिक का औरत पसंद हो लेकिन मुसलमान लोंडी उससे बेहतर है। माओ के लिए बहुत बड़ा नुकता है, आज हम पसंद ही नहीं करते कि जो बच्ची स्काफ करती है ना उसका हम रिश्ता करें, जो शरई पर्दा करती है ना उसका हम रिश्ता करें। क्यों भाई, इतना मसला हो जाएगा? अब ये क्या तमाशा के घर में देवरों के सामने नहीं आएगी, जेठ के सामने नहीं आएगी? आप तो खुद ही इस्लाम फॉलो नहीं करना चाह रहे, कोशिश करें दीनदार बच्चियों को अपने घर में लेकर आए। मुशरिका औरत से अच्छी है अगरचे वो तुम्हें पसंद हो, और मुसलमान औरतों को मुशरिकों के निकाह में ना दो।
मुसलमान औरतों का निकाह भी मुशरिक मर्दों से नहीं हो सकता जब तक वो ईमान ना ले आए, और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद हो। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या सिखा रहे हैं, स्टेटस मैटर नहीं करता, दीन मैटर करता है। और आजकल हमें क्या मैटर करता है, स्टेटस। सबसे पहले पता है क्या पूछा जाता है, बेशक लड़के का भी रिश्ता लेने जाए, घर अब आपका अपना है, सास ससुर के साथ रहेगी कि अलहदा रहेगी, और वो कमाता कितना है। किसी ने ये नहीं पूछा नमाज पढ़ता है, दीनदार है, पर्दा करने देगा, हराम कमाता है हलाल कमाता है। हमने तो दीन को एग्जिट कर दिया अपनी लाइफ से, तो हम क्या चाहते हैं। और फिर इस वजह से कितने मसले हो रहे हैं, बाद में सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हम बाद में घर ही भरते रहते हैं लोगों का। बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद हो, वो दोजख की तरफ बुलाते हैं। दोजख की तरफ क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनको आदत हो चुकी होती है एक सर्टन लाइफस्टाइल की, वो वही करेंगे। और जो खुद गलत काम कर रहा है वो आपको जन्नत में लेके जाएगा, उसको तो बुरा लगेगा कि तुम पर्दा करती हो, कितनी पेंडू लगती हो, मैं दोस्तों के सामने तुम्हें ऐसे लेके जाऊं, तुम अब ये करोगी वो करोगी, वो इस्लाम फॉलो ही नहीं करने देगा, तो आप कहां जाएंगे, आग में। बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद हो, वो दोजख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं, इतना इम्पोर्टेंट मसला है जिसके बारे में बात करते हुए शर्माती हैं औरतें, और अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं ना इस्लाम ने औरतों को हकूक नहीं दिए, सो कॉल्ड जो आजकल फेमिनिज्म की एक नई तमाशा चला हुआ है, अल्लाह सुबहान तआला ने हैज की बात कुरान में बता दी है। क्यों बताइए, क्योंकि हो सकता है माँ अपने बेटे को ना समझा सके जिसकी शादी हो रही है, उसको अहकाम पता चल जाए, उसको बातें पता चल जाए, और दीन की बात पहुंचाने में कोई शर्म नहीं है और इसमें सवाल करने में कोई शर्म नहीं है। तो जब कुरान में एक बार डिस्कस की जा चुकी है तो हमें शर्म आनी चाहिए दूसरों को बताते हैं, हर किस नहीं। और तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं, तुम फरमाओ वो नापाकी है, तो हैज के दिनों में औरतों से अलग रहो और इनके करीब ना जाओ जब तक के पाक ना हो जाएं। जब तक औरतें पाक नहीं होती, शोहर और बीवी आपस में सोबत इख्तियार नहीं कर सकते। फिर जब खून पाक हो जाए तो इनके पास वहां से जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है, बेशक अल्लाह बहुत तोबा कबूल करने वाला, मोहब्बत करने वाला है, और खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत में पैदा किया है और फितरत में सिखा दिया है कि कहां से सोबत इख्तियार करनी है। उसके अलावा किसी जगह से भी सोबत इख्तियार करना क्या है, बहुत सख्त गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है। इतनी बहनें आती हैं जो कहती हैं कि हम सिर्फ अपने मियां को खुश करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, खुदा का खौफ, वो फिर भी खुश नहीं होते। तो कोई ऐसी चीज जो अल्लाह ने मना की है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आफ्टर मैरिज भी अगर आपको ऐसे किसी एक्ट की तरफ फोर्स किया जाता है तो आप बिल्कुल अपना किनारा कशी इख्तियार कर लें। और अल्लाह ताला किसको पसंद करता है, साफ सुथरे रहने वालों को। तो कुरान का मतलूब इंसान कौन है, जो साफ सुथरा रहता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो तुम अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ, और अपने फायदे का काम पहले करो और अल्लाह से का काम पहले करो और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो तुम इससे मिलने वाले हो। और ए हबीब, ईमान वालों को बिशारत दो। औरतों को खेतियां क्यों कहा गया, तितली क्यों नहीं कहा गया जैसे शायर कहते हैं, चांद क्यों नहीं कहा गया, और भी बहुत से अल्काब जो इस्तेमाल होते हैं वो क्यों नहीं कहा गया। वैस ने कहा शी इज अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई जो सबको अपने रंग दिखाती है, वो चांद है जो सबको अपनी रोशनी दिखाता है। और इस्लाम ने कहा खेती, खेती लगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पहले बीज बोना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है, फिर हिफाजत करनी पड़ती है, फिर फल मिलता है। अल्लाह ने तो औरत को एक रुतबा दे दिया कि मर्द तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हारी निगहदाश्त करेगा, तुम उसकी खेती और उससे तुम्हारी नस्ल चलेगी। तो अल्लाह सुबहान तआला से ज्यादा हम औरतों को कौन प्यार करता है, और अपनी कस्मों की वजह से अल्लाह के नाम को एहसान
और अपनी कसमों की वजह से अल्लाह के नाम को एहसान करने और परहेजगारी इख्तियार करने और लोगों में सुलह कराने में आड़ ना बनाओ, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है, और अल्लाह इन कसमों में तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाएगा जो बे इरादा जबान से निकल जाए, हाँ इस पर गिरफ्त फरमाता है जिनका तुम्हारे दिलों ने कसद किया है। अल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह बख्शने वाला है और हलीम है। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अरबाअति अशहुर, जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक ना रखने की कसम खा बैठे हैं इनके लिए 4 माह की मोहलत है। अगर कोई मर्द किसी वक्त नाराज होकर या गुस्से में आकर ये कसम खा ले कि अब मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, इसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, तो ये ईला कहलाता है। खुदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अजवाज मुतहरात से ईला फरमाया था। अजवाज मुतहरात ने अर्ज किया था कि अब आम मुसलमानों के यहाँ भी खुशहाली आ गई है, तो हमारे यहाँ ये तंगी और सख्ती क्यों है, अब हमारे भी नफकात बढ़ाए जाएं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ईला किया। इस आयत में ईला की मोहलत मुकर्रर कर दी गई कि ज्यादा से ज्यादा 4 माह तक इंतजार किया जा सकता है। इन 4 माह के दौरान अगर वो अपनी कसम को ख़त्म करें और रुजू कर लें, ताल्लुक ज़न और शोक कायम कर लें, तो अल्लाह ताला गफूर है और रहीम है। और अगर वो तलाक का इरादा कर चुके हों तो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यानी 4 माह के अरसा अगर गुजर जाने पर शोहर को बहरहाल फैसला करना होगा कि या तो वो रुजू करे या तलाक दे। अब औरत को मजीद मौलिक नहीं रखा जा सकता, रुजू की सूरत में चूंकि कसम तोड़ना होगी लिहाजा इसका कुफारा अदा करना होगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने दौरे खिलाफत में यह हुक्म जारी किया था कि जो लोग जहाद के लिए घरों से दूर गए हैं इन्हें 4 माह बाद लाजमी तौर पर घर भेजा जाए। इसके लिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुशावरत भी फरमाई। अगरचे आप रजी अल्लाह ताला अन्हों का हजरत हफ्सा से बाप बेटी का रिश्ता है, मगर दीन के मामलात में शर्मो हया आड़े नहीं आती, जैसा कि अल्लाह सुभानहु ताला ने इरशाद फरमाया है, वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला कहते हैं, और अल्लाह शर्माता नहीं हक बात बतलाने में। आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इनसे पूछा कि एक औरत कितना अरसे तक अपनी इफ्फत और असमत को संभाल कर अपने शौहर का इंतजार कर सकती है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा 4 माह। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मुजाहिदीन के बारे में ये हुक्म जारी फरमा दिया कि इन्हें 4 माह से ज्यादा घरों से दूर ना रखा जाए, और जिन औरतों को तलाक दे दी जाए उन पर लाजिम है कि वो अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें। यानी तलाक के बाद 3 हैज तक औरत जो है वो अपने आप को रोक के रखेगी, और उनके लिए ये जायज नहीं है कि अल्लाह को इनके अरहाम में जो कुछ पैदा कर दिया हो इसे छुपाएं। अगर वो फिलवाके अल्लाह और योम आखिर पर ईमान रखती हैं, 3 हैज की मुद्दत इसलिए मुकर्रर की गई है कि मालूम हो जाए कि औरत हामला है या नहीं, और इनके शोहर इनसे ज्यादा हकदार हैं कि इन्हें लौटा लें, और इस इद्दत के दौरान में अगर वो वाकईतन इस्लाह चाहते हों, इसे रजात कहते हैं। शोहरों को हक हासिल है कि वो इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर सकें, लेकिन ये हक तीसरी तलाक के बाद हासिल नहीं रहता। पहली या दूसरी तलाक के बाद इद्दत ख़त्म होने से पहले शोहर को इसका इख्तियार हासिल है कि वो रुजू कर ले, इस पर बीवी को इनकार करने का इख्तियार नहीं है। वो ये नहीं कह सकती कि तुम मुझे तलाक दे चुके हो, अब मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं। और औरतों के लिए इसी तरह हकूक हैं जिस तरह इन पर जिम्मेदारियां हैं दस्तूर के मुताबिक, यानी इनके लिए जो हकूक हैं वो इनकी जिम्मेदारियों की मुनासिबत से हैं, और मर्दों के लिए इन पर एक दर्जा फोकियत का है, और अल्लाह सुभान व तआला जबरदस्त है हिकमत वाला है। खानदान का इदारा अगर देखा जाए तो ये मुस्तहकम होगा तो मुआशरा जो है वो भी मुस्तहकम होगा। खानदान के इदारे में अगर सुलह और फलाह होगी तभी माशरे में भी सुलह और फलाह नजर आएगी। अगर खानदान के इदारे में फसाद बेचैनी जुल्म और नाइंसाफी होगी और मियां बीवी आपस में झगड़ते रहेंगे तो फिर वहां औलाद की तरबियत सही से नहीं हो सकती।
इनकी तरबियत में ये मनफी चीज़ें शामिल हो जाएंगी और इसी का अक्स पूरे माशरे पर पड़ेगा। चुनाचे ख़ानदानी इदारे की असलाह और इसके इस्तेकाम के लिए कुरान मजीद ने बड़ी तफसील से अहकाम दिए हैं जिन्हें आयली कवानीन कहा जाता है। इस जमन में तलाक एक अहम मसला है, इसमें मर्द और औरत को बराबर का इख्तियार नहीं दिया गया। जहां तक शादी का ताल्लुक है, इसमें औरत की रजामंदी जरूरी है, यानी अगर औरत चाहे तो किसी मर्द से शादी करे, ना चाहे तो इनकार कर दे और वो इनकार कर दे। लेकिन एक मर्तबा जब वो निकाह में आ गई तो अब शोहर का पलड़ा भारी है, वो इसे तलाक दे सकता है। अगर जुल्म के साथ देगा तो अल्लाह के हाथ जवाबदेही करनी पड़ेगी और पकड़ हो जाएगी, लेकिन बहरहाल इख्तियार हासिल है। औरत अगर चाहे तो खुद तलाक नहीं दे सकती, अलबत्ता तलाक हासिल कर सकती है जिसे हम खुला कहते हैं, वो अदालत के जरिए या खानदान के बड़ों के जरिए खुला हासिल कर सकती है। इस्लाम ने औरतों को जो हकूक दिए हैं, बदकिस्मती से हम मुसलमानों ने वो भी औरतों को नहीं दी। इस्लाम ने अल्लाह सुबहान तआला ने औरतों को बहुत से हकूक दिए हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आज के माशरे ने औरतों को वो हकूक दिए ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे जहनों में अभी तक हमारा हिंदुआना पस मंजर मुसल्लत है और हिंदुओं के माशरे में औरत को कतन कोई हैसियत हासिल नहीं थी। इसी की वजह से औरत को जब विदा किया जाता है, जब उसकी रुखसती की जाती है, तो कहा जाता है कि अब मर के ही तुम्हारी लाश निकले। तलाक बेशक एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने ये इख्तियार औरत और मर्द दोनों को दिया है। अत्तलाकु मर्रतान, तलाक दो मर्तबा है, यानी एक शोहर को दो मर्तबा तलाक देकर रुजू कर लेने का हक है। एक दफा तलाक दी और इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर लिया तो ठीक है, फिर तलाक दे दी और इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर लिया तो ठीक है, तीसरी मर्तबा तलाक दे दी तो अब रुजू नहीं किया जा सकता। फिर या तो मारूफ तरीके से रोक लेना है या फिर खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना है। यानी दो मर्तबा तलाक देने के बाद अब फैसला करो, या तो अपनी बीवी को नेकी और भलाई के साथ घर में रोक लो, तंग करने और परेशान करने के लिए नहीं, अच्छे तरीके से भले तरीके से रखने के लिए, या फिर उसे भले तरीके से रुखसत कर दो। और तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुमने इन्हें दिया है इसमें से कुछ वापस लो। जब तलाक दी जा रही है तो जो मेहर उनको दिया गया है या कोई गिफ्ट्स दिए गए हैं उनमें से कोई चीज भी वापस लेना जो है वो जायज नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि वो हदूदुल्लाह को कायम नहीं रख सकेंगे। बस अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि वो दोनों हदूदे इलाही पर कायम नहीं रह सकते, तो इन दोनों पर इस मामले में कोई गुनाह नहीं है जो औरत फिदिया में दे। यानी ऐसी सूरत में औरत अगर फिदिया के तौर पे कुछ दे दिला के अपने आप को छुड़ा ले तो इसमें फरीकैन पर कोई गुनाह नहीं। मसलन कि अगर किसी औरत का मेहर 10 लाख है, इसमें से वो 5 लाख शोहर को वापस दे दे, इससे खुला ले ले, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। ये अल्लाह की हदूद हैं, बस इसमें तजावज मत करो। ये अल्लाह की हदूद हैं, बस इसमें तजावज मत करो। और जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावज करते हैं वही जालिम है। फिर अगर वो तीसरी मर्तबा इसे तलाक दे दे तो वो औरत इसके बाद इसके लिए जायज नहीं है जब तक कि वो औरत किसी और शोहर से निकाह ना कर ले। तीसरी तलाक दे चुकने के बाद अगर कोई शख्स फिर इसी औरत से निकाह करना चाहेगा तो जब तक वो औरत किसी दूसरे से निकाह ना करे और वो इसे तलाक ना दे, इस वक्त तक ये औरत अपने पहले शोहर के लिए हलाल नहीं हो सकती। इसे हलाला कहा जाता है, लेकिन हलाला के नाम से आज हमारे कल्चर में जो गंद मच गया है उसकी कतन इजाजत नहीं है। यानी आप प्लान्ड हलाला नहीं कर सकते कि हम निकाह करेंगे और उसके बाद फौरन तलाक दे देंगे। बस अगर वो उसको तलाक दे दे, यानी वो औरत दूसरी जगह पर शादी कर ले लेकिन दूसरे शोहर से भी इसकी ना बने और वो भी इसको तलाक दे दे, तो अब कोई गुनाह नहीं होगा इन दोनों पर कि वो मुराजत कर लें। अब वो औरत अपने साबका शोहर से निकाह कर सकती है।
अगर इनको ये यकीन हो कि वह अल्लाह की हदूद की पासदारी कर सकेंगे, और ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं जिनको वो वाज़े कर रहा है इन लोगों के लिए जो इल्म हासिल करना चाहें। और जब तुम लोग अपनी बीवियों को तलाक दो और फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो या तो मारूफ तरीके से इन्हें रोक लो या अच्छे अंदाज से इन्हें रुखसत कर दो, और तुम इन्हें मत रोको नुकसान पहुंचाने के इरादे से कि तुम हदूद से तजावज करो। ऐसा नहीं करना कि उनको इसलिए रोक लिया जाए कि उनकी जरा और खबर लो और अगर तलाक हो जाएगी तो ये आजाद हो जाएगा, यानी गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है कि अभी भी ठंडा नहीं हो रहा, इसलिए रुजू करूंगा और फिर और उसको मजीद परेशान करूंगा और तकलीफें दूंगा और फिर तलाक दूंगा। और जो कोई भी ये काम करेगा वो अपनी ही जान पर जुल्म ढाएगा, और अल्लाह की आयात को मजाक ना बनाओ। जरूरी है कि अहकाम शरीयत पर इनकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। यही वजह है कि कुरान हकीम में खास तौर पर अज़वाजी जिंदगी के जमन में बार बार अल्लाह के खौफ और तकवा की ताकीद की है। और याद करो अल्लाह के जो इनामात तुम पर हुए हैं और जो उसने नाजिल फरमाई तुम पर अपनी किताब और हिकमत, और इसके जरिए से तुम्हें नसीहत करता है, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वत्तकुल्ला, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और जान लो कि अल्लाह ताला को हर चीज का हकीकी इल्म हासिल है। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो मत आड़े आओ इसमें कि वो औरतें फिर निकाह कर लें अपने साबका अजवाज से, जबकि वो आपस में रजामंद हो जाएं भले तरीके से। जो औरत तलाक पाकर अपनी इद्दत पूरी कर चुकी हो वो आज़ाद है, जहाँ चाहे अपनी पसंद से निकाह कर ले। इसके इस इरादे में तलाक देने वाले शौहर या इसके खानदान वालों को कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को एक या दो तलाक दी और इद्दत के दौरान रुजू नहीं किया, तो अब इद्दत के बाद औरत को इख्तियार हासिल है कि वो चाहे तो इसी शोहर से निकाने सानी कर सकती है। लेकिन अगर इद्दत पूरी हो गई तो अब ये तलाक रजी नहीं रही, तलाक बाइन हो गई। अब शोहर और बीवी का जो रिश्ता था वो टूट गया। अब अगर ये रिश्ता फिर से जोड़ना है तो दोबारा निकाह करना होगा, और इसमें औरत की मर्जी को दखल है। इद्दत के अंदर अंदर रुजू की सूरत में औरत की मर्जी को दखल नहीं है, लेकिन इद्दत के बाद अब औरत को इख्तियार है। वो चाहे तो इसी साबका शोहर से निकाह सानी कर ले, और चाहे तो अपनी मर्जी से किसी और शख्स से निकाह कर ले। अलबत्ता तलाक मुगलस यानी तीसरी तलाक के बाद, जब तक इस औरत का निकाह किसी और मर्द से ना हो जाए और वो भी इसे तलाक ना दे दे, साबिक शोहर के साथ इसका निकाह नहीं हो सकता। ये वो चीज है जिसकी नसीहत की जा रही है तुम में से उसको जो वाकयतन ईमान रखता हो अल्लाह पर और योम आखरत पर। यही तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा पाक और ज्यादा उम्दा है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। यहाँ पे एक किस्सा था जिसमें मकाल बिन यस जो थे, एक उनके बहनोई ने तलाक दे दी थी उनकी बहन को, लेकिन वो दोबारा उनके पास जाना चाहती थी लेकिन वो जाने नहीं दे रहे थे। ये उसका जिक्र है कि अगर वो जाना चाहती हैं तो तुम अपनी ईगो की वजह से उनको बिल्कुल ना रोको। अब आगे आ रहा है कि दूध पिलाने की मुद्दत क्या है, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है हमारी सोसाइटी में। हर बंदा कहता है कि औरतों की मुद्दत बच्चियों की मुद्दत फर्क है दूध पिलाने की बच्चों की फर्क है, हालांकि यहाँ कहा जा रहा है और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म इसलिए है कि जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे और बच्चे के बाप पर रवाज के मुताबिक औरतों के खाने और पहनने की जिम्मेदारी है, यानी अगर दूध वो पिला रही है तो उसके खाने पीने की जिम्मेदारी किस पे है, बाप पे। किसी जान पर इतना ही बोझ रखा जाएगा जितनी इसकी ताकत हो, और उतना ही बोझ डालें वालिद पे भी जितनी उसकी ताकत हो। एक्स्ट्रा डिमांड शुरू ना कर दें, माँ को इसकी औलाद की वजह से तकलीफ ना दी जाए और ना बाप को इसकी औलाद की वजह से तकलीफ दी जाए। और जो बाप का कायम मकाम है इस पर भी ऐसा ही हुक्म है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस की रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो इन पर गुनाह नहीं। और अगर तुम चाहो कि दूसरी औरतों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ
तो भी तुम पर कोई मुजायका नहीं, जबकि जो मुआवजा देना तुमने मुकर्रर किया हो वो भलाई के साथ अदा कर दो। वत्तकुल्ला, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। अगर तलाक भी हो गई है और दूध पिलवाना चाहता है शोहर, तो मुआवजा देके दूध पिला सकता है। अगर तलाक नहीं हुई, साथ भी रह रही है, तब भी शोहर को चाहिए कि बीवी की डाइट का ख्याल रखे, उससे अच्छी तरह से फैसिलिटेट करे। लेकिन अगर दोनों बाहमी रजामंदी से चाहते हैं कि कोई और दूध पिलाए, तो इसकी भी इजाजत है। और तुम में से जो मर जाएं, अब बेवा की इद्दत बताई जा रही है, और तुम में से जो मर जाएं और बीवियां छोड़ें, तो वो बीवियां 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें, तो जब वो अपनी इख्तितामी मुद्दत को पहुंच जाएं, तो ए वालियों, तुम पर इन इस काम में कोई हर्ज नहीं जो औरतें अपना मामले में शरीयत के मुताबिक कर लें, यानी अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती, इसमें कोई हर्ज नहीं, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है, और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं जो इशारे कनाए से तुम औरतों को पैगाम, निकाह का पैगाम दो या अपने दिल में छुपा रखो। अल्लाह को मालूम है कि अब तुम इनका तज़करा करोगे, लेकिन इनसे खुफिया वादा ना करो, मगर ये कि शरीयत के मुताबिक कोई बात कह लो, और उकदे निकाह का को पुख्ता ना करो जब तक इद्दत का लिखा हुआ हुक्म अपनी इख्तितामी मुद्दत को ना पहुंच जाए। और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है, तो इससे डरो, और जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। अगर इद्दत में है तो क्या करेंगे, आप पैगाम नहीं भेजेंगे शादी का, आप वेट करेंगे, जब इद्दत पूरी हो जाएगी फिर आप शादी का पैगाम भेजेंगे और शादी करेंगे। अगर तुम औरतों को तलाक दे दो तो जब तक तुम इनको अगर तुम औरतों को तलाक दे दो तो जब तक तुमने इनको छुआ ना हो या कोई मेहर ना मुकर्रर किया हो, तब तक तुम पर कुछ मुतालबा नहीं, और इनको एक जोड़ा बरतने दो। यानी अगर रुखसती से पहले तलाक हो जाए तो फिर क्या किया जाए, निकाह हो गया है लेकिन सोबत इख्तियार नहीं की, और ना ही हक जो है मेहर वो मुकर्रर किया है, तो आपकी जितनी तौफीक है उतना आप उसको प्रोवाइड कर दें, और इनको एक जोड़ा बरतने को दो। मालदार पर इसकी ताकत के मुताबिक और तंग दस पर इसकी ताकत के मुताबिक देना लाजमी है। यानी कितना है ये आपके स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। अगर आप अमीर हैं तो अच्छा दें, अगर आप गरीब हैं तो अपनी ताकत के मुताबिक दें। शरई दस्तूर के मुताबिक इन्हें फायदा पहुंचाओ, ये भलाई करने वालों पर वाजिब है। और अगर तुम औरतों को इन्हें छूने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर इनके लिए कुछ मेहर भी मुकर्रर कर चुके हो, तो जितना तुमने मुकर्रर किया है इनका आधा वाजिब है। अगर तुम शादी हो गई है लेकिन अभी उन्होंने आपस में कॉन्टेक्ट नहीं किया, अभी उन्होंने सोबत इख्तियार नहीं की, तो कितना मेहर दिया जाएगा, आधा। मगर ये कि औरतें कुछ मेहर माफ कर दें या वो शोहर ज्यादा दे दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, और ए मर्द, तुम्हारा ज्यादा देना परहेजगारी के ज्यादा नजदीक है, और आपस में एक दूसरे पर एहसान करना ना भूलो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। हाफिजू अलस्सलाती वस्सलातिल वुस्ता, और नमाजों की पाबंदी करो, और खसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े हो। तलाक की बात हो रही है, एकदम नमाज की बात क्यों आ गई, क्योंकि शदीद खुशी में और शदीद गम में हम अल्लाह को भूल जाते हैं, और असर की नमाज ऐसी है जिस टाइम पे ऐसे काम होते हैं कि मोस्टली लोगों की ये कजा होती है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, क्योंकि इतने दुख में हो गए, इतने रंज में हो गए, इतने गुस्से में हो गए, ऐसा ना हो कि तुमसे गलत फैसला हो जाए। जब नमाज पढ़ोगे अल्लाह का ख्याल आएगा, अल्लाह का डर आएगा, तो सही रविश पे कायम रहोगे। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो पैदल या सवार जैसे मुमकिन हो नमाज पढ़ लो, फिर जब हालत इत्मीनान में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसा इसने तुम्हें सिखाया है जो तुम नहीं जानते, और जो तुम में मर जाएं और बीवियां छोड़ जाएं वो अपनी औरतों के लिए इन्हें घरों से निकाले बगैर साल भर तक खर्चा देने की वसीयत कर जाए, फिर अगर वो खुद निकल जाए तो तुम पर इस मामले में कोई गिरफ्त नहीं, वो जो अपने बारे में शरीयत के मुताबिक करें, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। ये जो आयत है ये मनसूख आयत है, यानी जब बेवा की इद्दत कितनी थी, 4 महीने 10 दिन, जब वो आ गई थी तो ये मनसूख कर दी गई थी, जिसमें कहा था कि 1 साल तक उनको रखो और उनको खर्चा प्रोवाइड करो।
अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोलकर बयान करता है ताकि तुम समझो, ए हबीब क्या तुमने इन लोगों को ना देखा था जो मौत के डर से हजारों की तादाद में अपने घरों से निकले, तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा फरमा दिया, और बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है मगर अक्सर लोग ख्याल नहीं रखते। मौत के डर से भागने वाले इसराइलियों की एक जमात थी जिन्होंने कहा कि हम भाग जाएंगे तो हमें मौत नहीं आएगी, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मौत के डर से जहां भी भागोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते, और अल्लाह की लाह में लड़ो और जान लो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे। अल्लाह पर ये आय जब नाजिल हुई थी तो कुफार ने और यहूदियों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि इनका अल्लाह कर्ज मांग, इनके अल्लाह को कर्ज की जरूरत पड़ गई है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, तो अल्लाह इसके लिए इस कर्ज को बहुत गुना बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी देता है और वसत देता है और तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे। ए हबीब क्या तुमने बनी इसराइल के एक गिरोह को ना देखा जो मूसा के बाद हुआ जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम अल्लाह की राह में लड़े। इस नबी ने फरमाया क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगर तुम पर जहाद फर्ज कर दिया जाएगा फिर तुम जहाद ना करोगे। उन्होंने कहा हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में ना लड़ें, हालांकि हमें हमारे वतन और हमारी औलाद से निकाल दिया जाए। तो फिर जब इन पर जहाद फर्ज किया गया तो इनमें से थोड़े से लोगों के एलानिया बकिया ने मुंह फेर लिया, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। ये वही रवैया है जब किसी कोई बहुत पुरजोश तरीके से कहता है कि हमारे लिए क्लासेस कंडक्ट की जाए या हमें दीन की तालीम दी जाए, और जब उसका एहतमाम किया जाए तो सब लोग गायब हो जाए। और इनसे इनके नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया और इनसे इनके नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया। वो कहने लगे इसे हमारे ऊपर कहां से बादशाही हासिल हो गई, हालांकि हम इससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं और इसे माल में भी वसत नहीं दी गई। इस नबी ने फरमाया इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया। हर किसी को तौफीक नहीं मिलती, किसी को अल्लाह की राह में कुछ भी करने की तौफीक कब मिलेगी जब अल्लाह उसे क्या करेगा, चुन लेगा। कोई भी अगर दीन का काम कर रहा है तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन ना करे तो वो तो ये करता था या वो करता था, उसमें कोई एक क्वालिटी तो होगी कि अल्लाह ने अगर किसी बिठा दिया है तो उसको बिल्कुल भी चैलेंज ना करें। इस नबी ने फरमाया इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया है और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी है, और अल्लाह जिसको चाहे अपना मुल्क दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। यानी किसकी बात हो रही थी, ताबूते सकीना की, दिलों का चैन है और मौजिज मूसा और मौजिज हारून की छोड़ी हुई चीजों का बकिया है, फरिश्ते इसे उठाए हुए हैं, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। फिर जब तालूत लश्कर को लेकर शहर से जुदा हुआ तो इसने कहा बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर के जरिए आजमाने वाला है, तो जो इस नहर से पानी पिएगा वो मेरा नहीं है। अगर जो आजमाइशें अल्लाह ताला ने दी उस पर गौर किया जाए तो क्या बड़ी बड़ी आजमाइशें थी। आदम को कहा दरख्त के पास नहीं जाना, यहाँ पे कह रहे हैं नहर के पास नहीं जाना, क्यों? सिर्फ आजमाने के लिए कि मुनाफिक कौन है और ईमान पे कौन है। तो जो इस नहर के पानी पिएगा वो मेरा नहीं है और जो ना पिएगा वो मेरा है, सिवाय इसके जो एक चुल्लू अपने हाथ से भर ले। तो इनमें से थोड़े से लोगों के अलावा सब ने इस नहर से पानी पी लिया। फिर जब तालूत और इसके साथ वाले मुसलमान नहर से पार हो गए तो उन्होंने कहा हमें आज जालूत और इसके लश्करों के साथ मुकाबला करने की ताकत नहीं है। ये आज के मुसलमान का हिसाब है, अपनी ख्वाहिश परस्ती में, अपनी नफ्स परस्ती में इतना पड़ गया, इतने पेट बढ़ा लिए कि जंग करने होगी उनसे। जंग तो वही कर सकेगा, दीन का काम तो वही कर सकेगा जिसका पेट खाली होगा।
जालूत और इसके लश्करों के साथ मुकाबला करने की ताकत नहीं है, लेकिन जो अल्लाह से मिलने का यकीन रखते थे उन्होंने कहा बहुत दफा छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर जब वो जालूत और इसके लश्करों के सामने आए तो उन्होंने अर्ज की, ए हमारे रब, हम पर सब्र डाल दे और हमें साबित कदमी अता फरमा और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। हर चीज में आपको कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रहमत, उसके फजल और उसकी तौफीक से मिल सकती है। यहाँ पे इन्होंने क्या कलमंदी का काम किया कि अल्लाह से मदद मांग ली। अगर यहाँ पे भी अपने जोरे बाजू पे रहते, तकबर करते तो कभी फतह नहीं होती, लेकिन उन्होंने क्या कहा, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रं वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, ए हमारे रब, हम पर सब्र डाल दे और हमें साबित कदमी अता फरमा और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से दुश्मनों को भगा दिया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखा दिया। और अगर अल्लाह लोगों में से एक के जरिए दूसरे को दफा ना करे तो जरूर जमीन तबाह हो जाए। अगर अल्लाह ताला काफिरों का कुफर का खात्मा ना करे तो जमीन क्या हो जाएगी, तबाह। मगर अल्लाह सारे जहानों पर फजल करने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो ए हबीब हम आपके सामने हक के साथ पढ़ते हैं और बेशक तुम रसूलों में से हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हमने आज का अपना टास्क कंप्लीट किया। आज मैं चाहूंगी कि ऑनलाइन वाले और ऑन साइट वाले तमाम लोग उन्होंने जो भी अमल के मोती कलेक्ट किए हैं वो शेयर करें। हम आगाज करते हैं ऑन साइट वालों से, तब तक ऑनलाइन वाले जो शेयर करना चाहते हैं हैंड रेज कर। जी, आज आपने क्या सीखा? आपके आन पड़े ना हमेशा तो अल्लाह ताला से करते हैं, जवाब के बारे में फिर पूरी उम्मीद भी करते हैं, अल्लाह ताला तो इनको बेहतर सबक निकाल देता है, कुछ भी सही निकाल देता है। बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या हमें दुआ के लिए कहीं जाने की जरूरत है? अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हाँ फइन्नी करीब। ये जरूर समझाएं उन लोगों को जो अभी भी भटक रहे हैं, जिनको अभी इल्म नहीं है, कि आप अल्लाह से कहीं भी दुआ मांगे अल्लाह आपकी सुनेगा, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में ये बात कह दी है। जी, इस बारे में बहुत कुछ था, लेकिन जो मेनली चीज है, एक तो सबसे जो मुझे लगा कि वसीयत लाजमी करनी चाहिए, हमें ये नहीं पता कि हमारी जिंदगी की जरूरत है। और दूसरा ये कि हक बात कहते हुए डरना नहीं चाहिए, अपने माल को नेकी के कामों में खर्च करना चाहिए और अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में ही हमसे सब गलत काम होते हैं और पूरा जो भी हम काम शुरू करते पूरी तवक्कुल अल्लाह ताला पे होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला पे जब हम पूरा ईमान रखते हैं और पूरी जनसारी से ईमान रखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला में मायूस नहीं करता, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ इतने अरसे बाद कबूल हुई थी और उनकी औलाद में से बहुत चीज़ वारिस निकले थे जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस थे। बिल्कुल, जब भी कहीं फंस जाए तो किससे मदद मांगनी है, सबर से और नमाज से। और जो बंदा इस काम के लिए आता है दीन के लिए, जितने दूर से भी आता है फरिश्ते उसके घर की माल की औलाद की हिफाजत करते हैं, और फरिश्ते वो बंदा भी यहाँ तक आता है फरिश्ते के रहते हैं। अब ये बनी यहाँ फरिश्ते पर फैलाए हैं, हम सारे परों पे बैठे हैं, इतना इस दीन के काम इतना ज्यादा कर रहे हैं, ये हमारी सुस्ती होती है, अल्लाह ताला में तो ठीक दे जो हम पाबंदी करें और ये हमारा कोर्स अच्छे से घूमे। आमीन आमीन। असल में ये जो सिपारा ना, पहला सिपारा सूरह बकरा, इसमें सब कुछ बता दिया जी, हर चीज बता दी। अगर हम इस पे अमल करें हमारी जिंदगी बहुत अच्छी जो है ना, सूरह बकरा जो है ना, इसमें मेरे ख्याल में सब कुछ ये है कि इसमें हराम हलाल हर चीज बता दी। अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, ना शुक्री नहीं करनी, जितनी भी आजमाइश है सब बढ़ बेशक। इतनी प्यारी बात की है। जी जनाब, हमें दुआएं अल्लाह से मांगनी चाहिए, अपनी दुआओं पे यकीन रखना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला का इरशाद है कि आप मुझसे जितनी उम्मीद से मांगोगे मैं उतनी ही उम्मीद से आप लोगों को दूंगा, तो आप जितनी जो भी दुआएं करते हैं वो
यकीन से मांगेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करने वाला है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज जो हमने सबक से बहुत सी बातें सीखी, सूरह बकरा तो मतलब उसके बारे में जितना हम कहें वो कम है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसमें ये कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने नफ्स और ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनना, और इस बात पे यकीन रखना है कि अगर हम कोई भी नेकी करते हैं तो अल्लाह उसका अजर ज़ाया नहीं करता। इसी तरह हमें लोगों से नहीं डरना बल्कि अल्लाह से डरना है, और ना अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करनी है, क्योंकि हम शुरू से जो बातें अपने घरों में अपनी मतलब बड़ी बूढ़ियों से देखते आ रहे हैं वही करते जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बात दीन इस्लाम ने हमें कही है हमें उसके मुताबिक चलना है। और इसके अलावा जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बहुत सारी नेमतें दी हैं, चीजें दी हैं, उनके बारे में गौर व फिक्र करना है, और सब्र और नमाज से जो है मदद लेनी है, और शदीद खुशी और शदीद गमी में ये नहीं कि हम बिल्कुल यानी अगर कोई दुख है तो मावेला करना शुरू कर दें या बहुत ज्यादा खुश है तो अल्लाह को भूल जाएं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम भी ना हम नमाज को अपनी याद रखें, और इसके अलावा ये भी जहन में रखें कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी दौलत है वो हिदायत है। तो दूसरे पारे में हमने देखा कि कुरान का मतलूब इंसान हर हाल में अल्लाह का हुक्म मानने वाला होता है, हमेशा अल्लाह की रहमत से पुर उम्मीद रहता है, अल्लाह की रजा के लिए हर चीज़ छोड़ने वाला होता है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता, दीन के मामले में शक में नहीं पड़ता, अल्लाह से डरता है, अल्लाह का जिक्र हर वक्त इनकी जबानों पर जारी रहता है, तैयब और हलाल खाने वाला और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला होता है, अल्लाह के अहकामात को दुनियावी फ़ायदे के लिए तब्दील नहीं करता और ग़ुलामों की रिहाई पर खर्च करता है और ज़कात देता है, किसी से ज्यादती नहीं करता, रमज़ान के रोज़े का खूब एहतमाम करता है, दुआ की कबूलियत का यकीन रखता है, दूसरों के अमाल में खयानत नहीं करता, जहाद करने वाला होता कि वो पामाल नहीं अल्लाह की हुरमत को पामाल नहीं करता, नेकी करने वाला और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला होता है, तकवा वाला होता है, हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला, ज़मीन पर फैजात नहीं फैलाने वाला, शैतान की पैरवी ना करने वाला, कुरान के मतलूब के इंसान की आंखें आखरत पर होती हैं, दुनिया की कामयाबी उसे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती, मुशरिक औरतों से निकाह नहीं करता, शराब और जुए गुनाहों और नफ्स की लज्जतों से हिजरत करने वाला होता है, शराब और जुए से कोसों दूर रहने वाला होता है, मुशरिक मर्द और औरतों से दूर रहता है, साफ़ सुथरे और पाकीज़ा ख्यालात के मालिक लोग ही अल्लाह के कुरान के मतलूब इंसान बन सकते हैं, बिला इरादा कस्में नहीं खाता, दूसरों से इजाफी ख्वाहिश का तमन्नाई नहीं होता, दूसरों से इजाफी ख्वाहिशात का तमन्नाई नहीं होता, खुफिया अहदो पैमा नहीं करता, खुशी और गमी में अपनी नमाजों की हिफाजत करता है, अल्लाह की आजमाइशों पे हमेशा पूरा उतरता है और हर बात पे कहता है और अल्लाह के हर हुक्म पे सरे तस्लीम खम होके कहता है समेना व आताना। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته واتوب اليه يا الله يا غفور الرحيم يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم ہم اس محفل میں خالص تن تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اور اس پہ عمل کے موتی چننے کے لیے کٹے ہوئے ہیں یارا ہم سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا قبول فرمانا یا اللہ جو جتنی مشکل سے جتنی تکلیف سے بیٹھا ہوا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اجر عطا کرنا
या अल्लाह हम सबको दीन की इतनी समझ देना कि बेसिक दीन की बातें हम खुद भी सीख सकें और अपने औलादों को अपनी नस्लों को भी सिखाएं। या रब्बुल इज्जत हमें कुरान पढ़ने वाला और उस पे अमल करने वाला बनाना। या अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को दीने इस्लाम पे चलने वाला बनाना। या अल्लाह हमें उस वक्त मौत आए जब तू हमसे राजी हो। या अल्लाह हमें नमाज कायम करने वाला बनाना। या अल्लाह हमें एक दूसरे का ख्याल रखने वाला बनाना। या रब्बुल इज्जत या गफूर रहीम दुनिया हमारे आगे कोई हैसियत ना रखे, आखिरत हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए और हमारी नजरें आखिरत पे रखना। या रब्बुल इज्जत आखिरत पे हमारा यकीन इतना पुख्ता हो जाए कि हम हर काम करने से पहले सोचें कि हमें तुझसे मिलना है। या अल्लाह हमें इस हाल में अपने पास बुलाना कि तू हमसे राजी हो जाए। या अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर करना। या अल्लाह हमारी इज्जत की बापर्दा मौत अता फरमाना। या रब्बुल इज्जत या गफूरुर रहीम या अरहमुर राहिमीन हमारे प्यारे जो दीन से दूर हैं, जो इस हिदायत इस नेमत को नहीं अभी पा सके, या अल्लाह उन सब के दिलों को ईमान से हिदायत से भर देना। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारे माल को हमारे लिए आजमाइश ना बनाना। या अल्लाह हमें तमाम फितनों से दूर रखना। या अल्लाह जितने लोग बीमार हैं उन्हें सेहत कामला अता फरमाना। या अल्लाह जितने लोगों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की जायज ख्वाहिशात पूरी करना। या रब्बुल इज्जत या गफूर रहीम जितने लोग रिश्ता तलाश कर रहे हैं उन सबको नेक साले शोहर अता करना। या रब्बुल इज्जत हमें घर जोड़ने वाला बनाना, हमें एक दूसरे का मददगार एक दूसरे की मदद करने वाला बनाना। या अल्लाह हमें ऐसा बनाना कि हम हक और बातिल में डिफ्रेंशिएट कर सकें। या अल्लाह जो गुनाह हमसे पहले हो चुके हैं या अल्लाह उन पे हमारी पकड़ ना करना। या अल्लाह तू गफूर रहीम है हमें बख्श देना। या रब्बुल इज्जत या अरहमुर राहिमीन तेरे खजाने में क्या कमी है, हम सबको बेहतरीन रिज़्क हलाल अता करना ताकि हम बेहतरीन तरीके से तेरी राह में उसको खर्च कर सकें। या रब्बुल इज्जत या गफूरुर रहीम हमारी एक एक कोशिश को कबूल फरमाना क्योंकि कबूलियत के बगैर इस सारे अमल की कोई हैसियत नहीं। या अल्लाह जितने प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें जल्द फिरदौस में जगह अता फरमाना, उनको कब्रों के अजाब से बचाना। या अल्लाह हम जब मर जाएंगे हमें कब्र के अजाब से बचाना। या अल्लाह हमारी कब्र को अंधेरी ना रखना। या अल्लाह हमारी कब्र को मुनव्वर कर देना। या अल्लाह या गफूरुर रहीम या अरहमुर राहिमीन ये दुनिया का सफर बहुत थोड़ा है। या अल्लाह इज्जत से हमारा ये सफर मुकम्मल हो जाए। या अल्लाह हमें इस्तकामत देना, हमें दीन पे साबित कदम रखना। या अल्लाह हमें शैतान के कदमों से दूर रखना, हमें शैतान के वसवसों से दूर रखना। या अल्लाह हमारी नजर हमेशा तुझ पे हो, हमारी प्रायोरिटी हमेशा ये हो कि हमने तुझे राजी करना है। या अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर लेना। या अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कोसर पीना नसीब करना। या अल्लाह हमें ऐसा कर देना कि पुले सरात से हम तेजी से गुजर जाएं। या अल्लाह उस वक्त हमारे कोई काम नहीं आएगा। या अल्लाह उस वक्त हमारे कोई काम नहीं आएगा, ये माल ये औलाद ये दुनिया जो हमें लेके बैठ गई है। या अल्लाह हमारे काम कोई नहीं आएगा, आज अगर हम मर जाएं हमारे काम कोई नहीं आएगा। तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है जब से हम इस दुनिया में आए और जब जाएंगे तू ही हमारे साथ होगा, हमें अपना ताबेदार फरमा बरदार बंदा बना देना। या रब्बुल इज्जत ऐसा बना देना कि हर हमारे चलने फिरने में सिर्फ तेरा रंग नजर आए क्योंकि तेरा रंग ही सबसे बेहतर है। या अल्लाह हमें ईमान वाला बनाना, हमें मोमिन बनाना। या अल्लाह हमें मुसलमान से मोमिन और मोमिन से इबादुर रहमान बना देना। या अल्लाह हमें कुरान का मतलूब इंसान बना देना। या अल्लाह हमारे हाथ से जबान से हमारे प्यारे मुसलमान बहन भाई महफूज रहें। या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करना। या अल्लाह वो सख्त मुसीबत में हैं, बेशक तू ही उनकी मदद करने वाला है। या अल्लाह उनकी मदद फरमाना। या अल्लाह उनकी नस्लों को बचा लेना। या अल्लाह काफिरों के हाथ टूट जाएं जो उन पे इतना जुल्म कर रहे हैं। या रब्बुल इज्जत हमारे हमारी दुआ उनके हक में कबूल फरमाना। या रब्बुल इज्जत हमें ईमान की दौलत अता फरमाना। या अल्लाह जो मांगा है वो अता करना, जो नहीं मांग सके वो भी अता करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद।
آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.